हमने जो लास्ट एग्जांपल किया था वो यही वाला था। आपको अगर इसका एग्जांपल याद हो तो उसमें हमने बोला था कि अगर प्रोजेक्टाइल को किसी एक एच हाइट से हम अगर फेंकते हैं और उसकी वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन का मैग्नीट्यूड हमने फिक्स कर रखा है, यू स्पीड से फेंक रहे हैं, तो फिर कितने एंगल पे फेंकना चाहिए सच कि आपकी रेंज ऑन ग्राउंड जो है वो मैक्सिमम आए। इसमें हमने सोल्यूशन सॉल्व किया था, सॉल्व करने के बाद एंड रिजल्ट जो आया था उस एंड रिजल्ट से एक अच्छी सी चीज सामने निकली थी। क्या याद है आपको क्या था वो, क्या एक अच्छी चीज आपने सीखी थी यहाँ पे? इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी क्या होना चाहिए था, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, याद है? Yes, sir. Right? Yes, तो ये कंडीशन निकल के आया था। इसको देखो मैं एक बार प्रूव करता हूँ, एनालिटिकली इसको प्रूव करता हूँ, ठीक है? ये जो इनिशियल वेलोसिटी और म्यूचुअली फाइनल वेलोसिटी म्यूचुअली परपेंडिकुलर होना चाहिए, इसका एनालिटिकल प्रूफ देखो एक मैं दिखाता हूँ। एनालिटिकल प्रूफ, देखो अगर आप यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए इक्वेशंस यूज कर रहे हो तो वी इज इक्वल टू यू प्लस एक्सेलरेशन विच इज जी वेक्टर इनटू टी, ठीक है? ये तो यूज करते हैं हमेशा। अब इसमें से दो चीजों के लिए अगर हम देखें तो ये बेसिकली, इसको आप वेक्टर एडिशन की तरह सोचो, ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, और ए और बी का रिजल्टेंट आपको कौन सा देगा, ये फाइनल वेलोसिटी देगा, राइट? है ना, समझ आ रही है आपको? ये वेक्टर सम समझ आ रही है? इनिशियल वेलोसिटी के साथ इनिशियल वेलोसिटी के साथ आप जी इंटू टी को वेक्टोरियली जब ऐड करोगे तब आपको फाइनल वेलोसिटी मिलेगा। इसको अगर मैं ड्रॉ करके दिखाऊं तो कैसा दिखेगा, जैसे इस तरफ हमने इनिशियल वेलोसिटी लिया, दिस इज इनिशियल वेलोसिटी यू, दिस वाज टेकन एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, सो मैं इसको थीटा एंगल ही मार्क कर रहा हूं यहां पे। इसके साथ जी इंटू टी जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी का चेंज है रादर, ये तो इसको वेक्टोरियली ऐड करना है। अब जी का डायरेक्शन हमको पता है वर्टिकली डाउनवर्ड से होता है, तो इसलिए इसमें कोई डाउट नहीं है, तो मैं उसको वर्टिकली डाउनवर्ड से चूज कर रहा हूँ, ठीक है? तो दिस इज वर्टिकली डाउनवर्ड, सो दिस इज जी वेक्टर इनटू टी। अब इन दोनों को जब आप वेक्टोरियली ऐड करते हो तो आपको क्या मिलता है, फाइनल वेलोसिटी वी मिलता है, सो दिस इज योर फाइनल वेलोसिटी वी वेक्टर, ठीक है? इस वेलोसिटी के दो कॉम्पोनेंट्स हैं, एक हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट एक वर्टिकल कॉम्पोनेंट। तो इनिशियल वेलोसिटी के साथ ही मैं यहाँ पे ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ, देखो ये है इनिशियल वेलोसिटी, इस इनिशियल वेलोसिटी का एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जिसको आप क्लियरली लिख सकते हो, दिस इज यू कॉस ऑफ थीटा, राइट? ये यू कॉस थीटा को आप एक और तरीके से भी लिख सकते थे, ये रेंज डिवाइडेड बाय टाइम, ये होगा, लिख सकते थे, है ना? क्योंकि रेंज को आप लिखने के लिए क्या करते हैं, यू कॉस थीटा इनटू टी करते हैं ना, यस सर, राइट? यस सर। सो अगर यू कॉस थीटा को आपको मेंशन करना है तो यू कॉस थीटा को आप वैसे भी मेंशन कर सकते हैं कि आपको रेंज बाय टाइम मेंशन कर लिया है, ठीक है? अब एक चीज नोटिस करो, अगर मैं ये ट्रायंगल की एरिया अगर फाइंड आउट करना चाहता हूँ तो ट्रायंगल की एरिया, यू नो, जैसे आप अगर देखोगे एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल की एरिया मुझे सपोजली निकालनी है, तो इस ट्रायंगल की एरिया निकालने के लिए क्या कर सकते हैं आप, इसमें दो तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। एक है ये बेस ऑफ ट्रायंगल है और ये हाइट ऑफ ट्रायंगल है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कर लें, ये एक तरीका होगा। या फिर दूसरा तरीका ये हो सकता है कि अगर आप इसको सपोजली इसको बेस मानते हो तो फिर बेस के साथ इधर से एक हाइट आपको लेना पड़ेगा ट्रायंगल का, इधर से हाइट लेना पड़ेगा, सो ये हाइट आपका ट्रायंगल का हाइट बनेगा, राइट? समझ आ रही है आपको क्या कह रहा हूं मैं? जब आपको कोई भी एक आर्बिट्रेरी ट्रायंगल दी हुई है, कोई भी एक आर्बिट्रेरी ट्रायंगल दी हुई है, यू हैव एनी आर्बिट्रेरी ट्रायंगल, में बोल रहा हूँ कोई भी आर्बिट्रेरी ट्रायंगल है, तो उस केस में आपको ट्रायंगल की एरिया फाइंड करनी है तो हाफ बेस इनटू हाइट जब आप करेंगे तो कोई रूल थोड़ी ना है कि आपको इधर से ही बेस लेना है, इधर से ही हाइट लेना है, आप इधर से भी तो बेस ले सकते हैं और इधर से भी तो हाइट ले सकते हैं ना, राइट? यस, ठीक है। अब अगर इस वेलोसिटी का कंपोनेंट मुझे परपेंडिकुलर टू इस वेलोसिटी चाहिए तो जो भी इन दोनों के बीच का एंगल होगा उसका साइन कंपोनेंट ले लेंगे, राइट? है ना, राइट? यस सर। या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, अगर आपको क्रॉस प्रोडक्ट का एप्लीकेशन अगर याद हो तो मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, ए क्रॉस बी जब हम फाइंड करते हैं उसका मैग्नीट्यूड लेते हैं तो इससे क्या मिलता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फॉर्मड बाय द वेक्टर्स टेकन साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम, आपको याद है ये? यस सर, राइट? ये तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम देता है। तो अगर मैं इसी में ही सोचो, अगर मैं इसी में ये वी वेलोसिटी को एक्सटेंड कर दूं और ये यू वेलोसिटी को एक्सटेंड कर दूं तो पैरेललोग्राम बन गई, नहीं बन गई? और ये पैरेललोग्राम में अगर देखोगे तो दो ट्रायंगल है, इधर का और इधर का, दोनों तो एकदम बिल्कुल कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है, राइट? इसका मतलब मैं इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी का क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड लेके भी
मैं डायरेक्टली यहाँ पे हाफ कर देता तो भी मुझे एरिया ऑफ ट्राइंगल मिल जाती, राइट? ठीक है, तो मैं अब देखो यही एरिया को मैं दो तरीके से रिप्रेजेंट करूंगा, ठीक है? आप देखो यहाँ पे दो तरीके से रिप्रेजेंट करने का मेरा तरीका क्या होगा, वो बस चेक कर लो आप, उसके बाद फिर वो बस एक लाइन का आंसर हो जाएगा। तो हमने क्या किया, यहाँ से एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाला है, सो एरिया ऑफ ट्राइंगल लिख रहे हैं, ठीक है? ये ट्राइंगल जो ऊपर में हमने मार्क कर रखा है, तो ये एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए हमने लिखा दिस इज हाफ इंटू बेस, बेस विच इज रेंज बाई टाइम इंटू हाइट विच इज जी इंटू टी। ये हो गया आपका एक तरीके से निकाला। अब दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका इज हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी, करेक्ट है? सही लिखा मैंने? ठीक है, yes, sir. अब यहाँ का देखो ये टाइम और ये टाइम तो गया, ठीक है, ये हाफ और ये हाफ गया, और रेंज देखो आपकी इंटरेस्टिंगली कितनी आ रही है, दिस कमिंग आउट टू बी यू क्रॉस वी, इसका मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाई जी आ रही है, राइट? अब यू एंड वी के बीच का एंगल कितना है ये अपने को नहीं पता, यही तो हमको प्रूव करना है कि एंगल 90 डिग्री होना चाहिए फॉर मैक्सिमम रेंज। तो ये जो एंगल हमने मार्क कर रखा है यहाँ पे, ये वाली जो एंगल मार्क करी है, इस एंगल को हम मान लेते हैं फाइव है, लेट अस से दिस एंगल इज फाइव। तो अगर आप इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हो, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हो, तो यू वी का क्रॉस प्रोडक्ट कितना जाएगा, यू इंटू वी इंटू साइन फाइव एंड डिवाइडेड बाई जी, यही तो लिखोगे ना, राइट? यस सर। अब खुद ही सोच के देखो कि अगर मैं कह रहा हूँ, हाँ इसमें एक, अब इसमें वेरिएबल कौन है वो आइडेंटिफाई करो, जिस स्पीड से हमने फेंका है वो तो फिक्स क्वांटिटी है या नहीं? फिक्स क्वांटिटी, जिस स्पीड से हमने फेंका है दैट्स अ फिक्स क्वांटिटी, तो यू फिक्स हो गया, और जिस स्पीड से वो लैंड करेगा वो भी फिक्स हो गया, क्योंकि हाइट तो फिक्स है जिस हाइट से आप फेंक रहे हो, तो वो तो यू स्क्वायर प्लस टू जी एच ही आएगा। इसके साथ आपको साइन फाइव लेना है एंड फिर आपको जी से डिवाइड कर लेना है। आप खुद ही सोच के देखो यहाँ पे, अगर मुझे रेंज मैक्सिमम चाहिए तो क्या मुझे साइन फाइव मैक्सिमम नहीं चाहिए? बाकी टर्म तो कॉन्स्टेंट है पूरा का पूरा, कैन यू सी? यस सर, यस सर। देखो फॉर आर मैक्स, अगर रेंज की बजाय वैल्यू मुझे मैक्सिमम चाहिए तो मुझे क्या कंडीशन लगाना पड़ेगा, साइन फाइव की वैल्यू को मुझे मैक्सिमम लेना पड़ेगा जो कि आपकी वन होगी। और जैसे मैंने साइन फाइव की वैल्यू वन ले ली, इसका मतलब फाइव की वैल्यू कितनी ली मैंने, 90 डिग्री ली या नहीं ली? ली या नहीं ली? ली ना? यस सर। और इससे क्या कंडीशन प्रूव हो गया, इससे ये कंडीशन प्रूव हो गया कि इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी क्या होना चाहिए, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, जो वहां पे ऑलरेडी हमने मेहनत करके निकाला था। समझ आई आप सभी को? यस सर, आई होप सबको क्लियर है, ठीक है? और इसी से आप फिर मैक्सिमम रेंज भी आप बता सकते हैं, सो देयरफॉर आर मैक्स अगर आप फाइंड करेंगे, सो दैट विल सिंपली बी यू इनटू रूट अंडर यू स्क्वायर प्लस 2gh एंड डिवाइडेड बाय g, ये आपका मैक्सिमम रेंज हो जाएगा, ठीक है? आगे बढ़े, आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट एग्जांपल पे मूव करते हैं। फॉर अ ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल, मान लो ग्राउंड से फेंक रहे हैं, ग्राउंड पे लैंड करेगा, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल एट व्हाट एंगल शुड अ प्रोजेक्टाइल be projected such that it continuously moves away from point of projection till it lands on ground. पहले तो आपको क्वेश्चन ही समझना पड़ेगा, फिर उसके बाद इसका सलूशन करेंगे आप। क्वेश्चन का मतलब कौन समझाएगा मुझे? क्वेश्चन पढ़ के मतलब बताइए कि इसका मतलब क्या निकल रहा है। बताइए, किसी को स्ट्राइक नहीं कर रहा कुछ भी? मतलब सॉल्यूशन कैसे करेंगे वो तो एक अलग बात है, सॉल्यूशन बाद में जाएंगे। पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से
प्रोजेक्टाइल का जो डिस्टेंस है वो कंटिन्यूअसली इंक्रीज होना चाहिए. वेरी गुड. बट क्या ये हमेशा नहीं होता या मतलब कोई कंडीशन? हाँ बताइए. क्या फिर से बोलिए बेटा? से सपोज 90 डिग्री के बहुत क्लोज एक एंगल है, से 80 डिग्री पे फेंका है, सो इट्स गोइंग अप एंड इट्स स्टार्टिंग टू कम डाउन. वेरी गुड. डिक्रीज एट सम पॉइंट. वेरी गुड. वेरी गुड. परफेक्ट है. मैं विजुलाइज कर सकता हूं बट एग्जैक्ट स्टेटमेंट में नहीं बोल पा रहा. नहीं नहीं, आपने बिल्कुल सही चीज बोला है. आप अगर नोटिस करोगे तो इसमें ही अगर आप वर्टिकल से एक सर्टेन एंगल के बियॉन्ड फेंकोगे तो इनिशियली आपको दिखेगा ये सेपरेशन बढ़ रही है पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से, बट किसी ना किसी एक पॉइंट पे तो ये घटना भी शुरू होगा क्योंकि आपको दिख रहा है ये लाइन का लेंथ छोटा होता जा रहा है. yes, है ना? राइट. बिल्कुल सही सोचा है आपने. क्या सबको ये क्वेश्चन का मतलब एटलीस्ट समझ आया है जो अरिक ने बोला है? yes, sir. ठीक है. yes, sir. तो क्वेश्चन का मतलब तो अच्छे से समझ आ गया. अब इसको एग्जीक्यूट कैसे करेंगे, अब चलो इसके बारे में सोचते हैं. ठीक है. सो बेसिकली इस क्वेश्चन का यही मतलब था. इस क्वेश्चन का मतलब था कि इससे हमने ये कंक्लूड किया सेपरेशन फ्रॉम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन शुड कंटिन्यूअसली इंक्रीज. सेपरेशन फ्रॉम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, पीओपी मतलब पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, शुड इंक्रीज कंटिन्यूअसली. बस इस चीज का कंडीशन इम्पोज करते हैं. तो इसका एक तो लंबा तरीका हो सकता है, उसके बाद फिर मैं आपको एनालिटिकल तरीका भी समझाऊंगा. जैसे इमेजिन करो कि हमने कोई भी एक आर्बिट्री प्रोजेक्टाइल ले रखा है. ठीक है. दिस इज एन आर्बिट्री प्रोजेक्टाइल एंड इसमें हमने इनिशियली यू से एंड एंगल थीटा हॉरिजॉन्टल से प्रोजेक्ट किया है. दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस. हम कोऑर्डिनेट्स आफ्टर अ टाइम टी अगर लिखते हैं, जैसे कोई भी एक इंस्टेंट पे हमने इसकी मान लो कोऑर्डिनेट्स को मार्क कर रखा है. लेट अस से दिस इज पोजीशन वेक्टर आर एंड यहाँ पे हमने इसकी पोजीशन को मार्क करी. तो इसके दो कॉम्पोनेंट्स हैं पोजीशन वेक्टर के, एक वाई कॉम्पोनेंट है और एक एक्स कॉम्पोनेंट है. दोनों ही चीजें हमें निकालनी आती है. आती है नहीं आती है? एक्स कॉम्पोनेंट कितनी होती है? यू कॉस थीटा इंटू टी. एंड वाई कॉम्पोनेंट कितनी होती है? यू साइन थीटा इंटू टी माइनस ऑफ हाफ टी इंटू टी स्क्वायर. करेक्ट है. अब मैं अगर ये कह रहा हूँ कि सेपरेशन फ्रॉम ओरिजिन कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रही है, इसका मतलब आर का मैग्नीट्यूड अगर निकाले तो ये इंक्रीज करना चाहिए कंटिन्यूसली. राइट. यही चीज को मैथमेटिकली मैंने सही लिखा है. राइट. कोई भी चीज अगर कंटिन्यूअसली इंक्रीज करेगी तो उसका रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कोई भी चीज अगर कंटिन्यूअसली पॉजिटिव होना चाहिए. गुड. सो इसका मतलब है डी बाई डी टी ऑफ आर ये क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए. समझ आ रही है? आई होप आप सबको समझ आ. तो हमने क्या किया यहाँ से, हम यहाँ से आर स्क्वायर तो इजिली निकाल सकते हैं. देखो एज आर की वैल्यू इज रूट अंडर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. तो अगर आप इसको लिखोगे क्या लिखोगे? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. अच्छा एक्स स्क्वायर बढ़ा देते हैं. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किया हमने. ठीक है. अब वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करें तो यहाँ से आर स्क्वायर लिख ले तो सिंपली आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ही आ रहा है. ठीक है. अब एक चीज नोटिस करोगे तो अगर आर इंक्रीज कर रहा है तो आर स्क्वायर भी तो इंक्रीज कर ही रहा होगा ना, है ना? तो मैं डायरेक्टली आर स्क्वायर का ही डिफरेंशिएशन जीरो ग्रेटर देन जीरो कर देता हूँ. समझ आ रही है आपको क्या कह रहा हूँ? यस. ठीक है. तो इससे थोड़ा सा काम आसान होगा, और कुछ नहीं है. तो यहाँ से मैं डायरेक्टली इसको यूज कर रहा हूँ एज as dr by dt is greater than 0, dr square by dt should also be greater than 0. ठीक है. अब इस चीज को मैं डिफरेंशिएट करूं तो क्या मिलेगा मुझे? 2x into dx by dt plus y into, sorry, 2y into dy by dt and that should be greater than 0. आ रही है? ठीक है ना? आ रही है? नहीं आ रही है अभी? yes. dx by dt क्या है? dx है ना, और dy by dt क्या है? vy है. इन दोनों का प्रोडक्ट बेसिकली ग्रेटर देन 0 होना चाहिए. अगर आप ध्यान से देखोगे इस इक्वेशन को तो ऐसे सोचो, r वेक्टर था हमारे पास x i cap plus y j cap and v वेक्टर था आपके पास v x i cap plus v y j cap. अगर मैं पूछता आपसे r और v का डॉट प्रोडक्ट लो तो क्या मिलता हमें? x v x plus y v y. क्या देखो तो ये एकदम एग्जैक्टली यही एक्सप्रेशन यहाँ पे चिपका हुआ है. yes, sir. Yes, sir. इसका मतलब पोजीशन वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट बेसिकली हमें क्या करना था? ग्रेटर देन जीरो करना था. राइट. जो इतना मेहनत कर एक्यूट होना चाहिए. एंगल एक्यूट होना चाहिए. तो और ये कंसेप्ट आपने पहले भी सीखा है. yes, आप याद करो, आप याद करो आपने सीखा है कि नहीं सीखा है. ये है पोजीशन वेक्टर और अगर मैं वेलोसिटी वेक्टर को इसके साथ एक्यूट एंगल पे दिखाता हूँ, if I'm showing this to be an acute angle, कुछ भी एक phi मान लिया, ये velocity अगर ऐसी है, तो इस केस में v cos of phi,
अगर कंपोनेंट जो है वो आपकी पोजीशन वेक्टर की तरफ है तो ऑब्वियसली इस केस में क्या होगा, आपका पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा, राइट? होगा नहीं होगा? पॉजिटिव होगा। पाई आपकी 90 डिग्री से कम होगी तो इस केस में आर डॉट वी आपका ग्रेटर देन जीरो आएगा, और इससे हमने यही कंक्लूजन ड्रॉ किया कि आर की मैग्नीट्यूड इंक्रीज करेगी। अगर यही चीज सोचो आप ऑब्ट्यूज एंगल पे, अगर लेते यह है पोजिशन वेक्टर आर और वेलोसिटी मैंने इस तरफ ड्रॉ कर रखा है, यह वेलोसिटी है, और ये सोचो कि ये एंगल ऑब्ट्यूज है इस बार, दिस एंगल इज फाइव, दिस क्लियरली इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, तो इधर से अगर आप एंगल देखोगे तो दिस एंगल बिकम्स 180 माइनस 5, तो वेलोसिटी की जो कंपोनेंट आ रही है आर के डायरेक्शन में वो आर से उल्टी आ रही है, ये किस तरफ आ रही है, वी कॉस ऑफ 180 माइनस 5 आ रही है, दिख रही है आपको? यस सर, यस सर। और इसका मतलब क्या हो गया, आर घटने वाला है अभी, तो जैसे ही आपने फाइव की वैल्यू को ग्रेटर देन 90 डिग्री देखा तो इससे आपको ये पता चल गया कि आर डॉट वी ये क्या होना चाहिए, आपकी लेस देन जीरो होनी चाहिए, और इसी से आपको डिक्रीज समझ आई, और आपको क्या चाहिए था, कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग वाला केस चाहिए था, इसलिए इतनी मेहनत करने की जरूरत ही नहीं थी, आपको आर को डिफरेंशिएट करने का जरूरत ही नहीं था, आप डायरेक्टली अगर कंसेप्चुअली समझते तो आप बेसिकली डायरेक्टली इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट को ग्रेटर देन जीरो लगाते वहीं से कंडीशन बन जाता। क्या सबको समझ आ गई दोनों बातें, मैंने दो तरीके से आपको समझाया, दोनों बातें समझ आ गई आपको? यस सर। ठीक है, तो हम इस कंडीशन को यूज करके फर्दर प्रोसीड कर रहे हैं, ठीक है, सो वी आर यूजिंग दिस कंडीशन एंड वी आर प्रोसीडिंग फर्दर। सो एक्स था अपना यू कॉस थीटा इनटू टी एंड वी एक्स है आपका यू कॉस थीटा, सो प्लस वाई वाई है आपका यू साइन थीटा इंटू टी माइनस ऑफ हाफ जी इंटू टी स्क्वायर, एंड इसके साथ है आपका वी वाई, वी वाई है आपका यू साइन थीटा माइनस ऑफ जी इंटू टी, एंड ये प्रोडक्ट आपका ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। ठीक है, अब इसमें से क्या चीजें हम हटा सकते हैं पूरा का पूरा, एक तो टी हटा सकते हैं यहाँ से, ये टी यहाँ से यहाँ से यहाँ से हट के पूरा निकल जाएगा, एक टी तो गया, और कुछ जा रहा है क्या? नहीं अभी और कुछ नहीं जा रहा, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, तो आपके पास आ रहा है यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, अब अंदर मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं, ये हो जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा फिर माइनस ऑफ यू साइन थीटा इंटू जी टी, फिर आएगा माइनस ऑफ हाफ जी टी इंटू यू साइन थीटा, फिर आएगा आपके पास प्लस हाफ जी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर, दिस शुड बी ग्रेटर देन जीरो। चेक करने के बाद कैलकुलेशन बस चेक करते रहना, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो यू हो गया आपके लिए, सॉरी यू स्क्वायर हो गया, फिर आपके पास आ रही है एक माइनस यू साइन थीटा इंटू जी टी और एक आ रही है माइनस हाफ यू साइन थीटा इंटू जी टी, मतलब ये हो गया माइनस ऑफ थ्री बाई टू इंटू यू साइन थीटा इंटू जी इंटू टी, ये आ गई, फिर आई आपके पास प्लस हाफ जी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर, दिस शुड बी ग्रेटर देन जीरो। इसी को थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं, ये हो जाएगा आपके पास जी स्क्वायर टी स्क्वायर फिर माइनस ऑफ थ्री यू जी इंटू साइन थीटा इंटू टी एंड प्लस टू यू स्क्वायर, दिस शुड बी ग्रेटर देन जीरो। आप देख रहे हो कि ये वाली जो एक्सप्रेशन है ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है या नहीं है, टी में क्वाड्रेटिक आ रही है? यस सर। और जब भी हम कहते हैं क्वाड्रेटिक की वैल्यू लगातार पॉजिटिव ही है, कभी भी वो नेगेटिव नहीं हो सकती है, मतलब कि ये ऐसा कुछ सिचुएशन है ना, जैसे ये अगर मैं टाइम एक्सिस चूज करता हूँ सपोजिटली, और ये फंक्शन सपोजिटली वाई है, फंक्शन को वाई नहीं, ये मान लो एफ ऑफ टी है, ठीक है, तो यहाँ पे अगर एफ ऑफ टी को प्लॉट करते हो तो एफ ऑफ टी कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, मतलब क्या है, टाइम एक्सिस के नीचे नहीं जा सकता, और टाइम एक्सिस के अगर नीचे नहीं जा सकता तो ये पॉसिबिलिटी तो हमेशा ऐसा ही रहने वाला है, राइट? ऐसा कुछ होना चाहिए, राइट? आप टाइम एक्सिस के नीचे नहीं रख सकते इसका, अगर टाइम एक्सिस के नीचे अगर कोई भी पोर्शन चला गया, इसका मतलब क्या है कि टाइम ये फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव हो गई ना, समझ आ रही है आपको? यस सर। तो इसमें हमें क्या करना था, इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को हमेशा टाइम एक्सिस के ऊपर रखना चाहिए था, और ये तो तभी पॉसिबल है ना जब इसके डिस्क्रिमिनेंट क्या हो, नेगेटिव हो, क्योंकि अगर कोई भी पोर्शन अगर नीचे आ गया, अ पैराबोला हैविंग अपवर्ड कनकेविटी विद सम पोर्शन लाइंग बिलो टाइम एक्सिस, इसका मतलब तो रियल रूट्स आ गए, और रियल रूट्स अगर होगा तो फिर उस केस में क्या होगा, इस केस में आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो आएगा, समझ आ रही है आपको? यस सर। राइट, आपको चाहिए कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टाइम एक्सिस के साथ नहीं होनी चाहिए, एंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अगर टाइम एक्सिस के साथ नहीं हो रही है, इसका मतलब पक्का है इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की डिस्क्रिमिनेंट क्या है, आपकी नेगेटिव है, नेगेटिव, समझ आ गया? ठीक है, तो बस इस कंडीशन को यूज करेंगे, सो दिस इज अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, ये पैराबोला है बेसिकली, पैराबोला विथ अपवर्ड कनकेविटी, अपवर्ड कनकेविटी, एंड इट शुड हैव नो रियल, इट शुड नॉट हैव
any real root as per condition, and therefore condition क्या लगाएंगे आप? So the condition becomes कि discriminant should be less than zero. और discriminant अगर less than zero कर रहे हैं आप, तो इस केस में क्या लिखेंगे आप यहाँ पे? B square मतलब 3UG into sin theta, इसका square should be minus of 4 into g square into 2 u square should be less than 0 आएगी. और यहां से अगर आप देखोगे तो u square वाला term तो पूरा का पूरा vanish कर जाएगा, और यहां से g square वाला term भी vanish कर जाएगा, और यहां से sin theta की जो value आ रही है, this should be less than, यार ये 8 by 9 का square root. और ये क्लियरली 90 डिग्री से काफी क्लोज वैल्यू आएगा, क्योंकि ये वैल्यू ऑलमोस्ट 1 है. दिख रहा है आपको? 1 से थोड़ा सा छोटा है. दिख रही है आप सभी को? दिख रही है सभी को? यस सर. तो अगर आपने इससे कम एंगल पे फेंका, तो फिर इस केस में आपका क्या होगा? वो कंटीन्यूअसली आपसे अवे ही मूव करेगा. और अगर इससे बड़े एंगल पे फेंका, तो इस केस में आपका क्या होगा? सेपरेशन आपका घटेगा भी एक पॉइंट. घटेगा. ठीक है, समझ आ गई सभी को? समझ आ गई सभी को? यस यस. ठीक है. देखो, एक अच्छी सी चीज आपको सिखाते हैं, एक नई चीज सिखाते हैं, फिर उसके बाद फिर प्रोजेक्टाइल और इंक्लाइन प्लेन करेंगे. आप सब कुछ नेल्स लॉ पता है? यस सर. साइन आई बाय साइन आर इक्वल टू मी. या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि फर्स्ट मीडियम में अगर मतलब कोई भी एक लाइट रे अगर एक मीडियम से ट्रैवल करके दूसरे मीडियम में जाती है, तो लाइट रे बेंड करती है, और बेंड करने के बाद नॉर्मल के साथ जो इंसिडेंट एंगल होती है और रिफ्रैक्टेड एंगल होती है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो उसके लिए रिलेशन क्या बनता है? म्यू 1 साइन थीटा 1 इक्वल टू म्यू 2 साइन थीटा 2. ये पता है आपको? पता ही नहीं? पता है सबको? पता ही नहीं? पता है? ये तो इतना तो पढ़ा होगा आपने. यहाँ से लाइट रे आ रही है, ये नॉर्मल है, यहाँ से लाइट रे रिफ्रैक्ट कर गई, ये एंगल थीटा 1 है, ये एंगल थीटा 2 है, ये म्यू 1 है और ये म्यू 2 है. तो कंडीशन क्या बनता है? म्यू 1 साइन थीटा 1 इज इक्वल टू म्यू 2 साइन थीटा 2. ये पता है या नहीं पता आप सभी को? ये आपको एक रूल की तरह पता है, बट इसका मैं आपको लॉजिक बताता हूँ कि ये ऐसा क्यों होता है. ठीक है, ये क्यों का जो आंसर है वो फॉर्मेट्स प्रिंसिपल आपको आंसर करते हैं. फॉर्मेट्स प्रिंसिपल क्या कहता है कि जब भी कोई भी लाइट रे या यू नो जब आप ट्रैवल कराते हो एक मीडियम से दूसरे मीडियम की तरफ, व्हेनेवर यू आर ट्रैवलिंग लाइट फ्रॉम वन मीडियम टू द अदर, और उसको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाना है. जैसे मैं आपको एक सिचुएशन ड्रॉ करके दिखाता हूँ, फिर आपको समझ में आएगा. जैसे मान लेते हैं ये मीडियम 1 है, ऊपर की तरफ मैंने मीडियम 1 दिखा रखा है, ठीक है, और नीचे की तरफ मैंने मीडियम 2 दिखा रखा है. दिस इज मीडियम 2. मीडियम 1 में मैंने एक पॉइंट मार्क कर रखा है, लेट अस से दिस इज ए, एंड यहां पे हमने मीडियम 2 में एक और पॉइंट मार्क कर रखा है जिसको हम कह रहे हैं बी. मीडियम ए में जो पॉइंट हमने चूज किया, मतलब फर्स्ट मीडियम में जो पॉइंट चूज किया है, उसकी हाइट में सरफेस से कुछ चूज कर लेता हूं. लेट अस से ये वाली हाइट अपने को पता है, ठीक है, दिस हाइट इज नोन क्वांटिटी. एंड सिमिलर तरीके से बी का भी लोकेशन का हाइट अपने को नोन है सरफेस से. लेट अस से दीज आर h1 एंड h2, दीज आर फिक्स्ड वैल्यूज, मतलब ए की डिस्टेंस फ्रॉम सरफेस या इंटरफेस कह सकते हैं आप, और बी के डिस्टेंस फ्रॉम इंटरफेस, ये दोनों आपके लिए एक नोन क्वांटिटीज है. अब आपको क्या करना है? लाइट को पॉइंट ए से पॉइंट बी पहुंचाना है, पॉइंट ए से पॉइंट बी पहुंचाना है सच कि उसको टाइम सबसे कम लगे. तो आप अपनी तरफ से बहुत कुछ सोच सकते हैं. आप सोच सकते हैं कि डायरेक्टली मैं यहाँ से यहाँ पहुंचा दूँ, आप ये सोच सकते हैं कि डायरेक्टली मैं लाइट रे को यहाँ से यहाँ पहुंचा दूँ तो टाइम सबसे कम लगेगा. कोई ये सोच सकता है कि ऐसे पहुंचा के फिर उसके बाद से इधर पहुंचाए तो टाइम कम लगेगा. कोई ये सोच सकता है इधर से इधर पहुंचाए फिर इधर से इधर पहुंचाए तो टाइम कम लगेगा. कोई ये सोच सकता है कि पहले ऐसे चले जाए फिर ऐसे चले जाए तो टाइम कम लगेगा. सब अपनी अपनी तरीके से सोच सकते हैं, बट सही तो किसी एक का होगा, सारी चीजें तो सही होगी नहीं. तो इसको करने के लिए हम क्या करते हैं? लेट अस चूज कोई भी एक आर्बिट्री पॉइंट पे. हम सोचते हैं कि लाइट यहाँ पे स्ट्राइक किया, कोई भी आर्बिट्री पॉइंट पे, वी डू नॉट नो कि ये कितने डिस्टेंस पे हमें स्ट्राइक कराना है. तो मैंने कोई भी एक आर्बिट्री पॉइंट पे इसको स्ट्राइक कराया है,
उस सरफेस पे एक नॉर्मल ड्रॉ किया और उसके बाद फिर लाइट रे को पहुंचा दिया पॉइंट बी पे, ऐसा पहुंचा दिया, ठीक है। पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच का हॉरिजॉन्टल सेपरेशन जो है ये भी ऑब्वियसली एक नॉन क्वांटिटी है हमारे लिए, हम कहाँ पे लाइट रे को स्ट्राइक कर रही है अपने को नहीं पता है, बट हॉरिजॉन्टल सेपरेशन दोनों के बीच का हमको पता है। तो यहाँ पे मैं उसको मार्क करके दिखा रहा हूँ, लेट अस से ये वाली सेपरेशन को मैंने यहाँ पे मार्क कर रखा है, लेट अस से दिस डिस्टेंस इज एल, ठीक है, ये फिक्स डिस्टेंस है। अब हमने कहाँ पे लाइट रे को इंसिडेंट करा रखा है, बाउंड्री पे, ये हमने वेरिएबल चूज किया है। सो लेट अस से वी हैव टेकन दिस डिस्टेंस टू बी अ वेरिएबल, ये डिस्टेंस को हमने x मान लिया, तो ऑटोमेटिकली आपका दूसरी तरफ से जो डिस्टेंस आएगा, ये वाला डिस्टेंस जो आएगा, दिस डिस्टेंस विल बी l माइनस x, ठीक है। अब ये एंगल इधर से हमने थीटा वन माना है और इधर से ये एंगल को हम थीटा टू मान रहे हैं, ठीक है। सो वी विल एक्सप्रेस द टाइम टेकन फॉर लाइट टू ट्रेवल फ्रॉम ए टू बी वाया द पाथ शो। पहले तो जो इंटरफेस पे जहां पे स्ट्राइक कर रहा है उस पॉइंट को मैं पी कह लेता हूँ, तो AP डिस्टेंस हम पाइथागोरस थ्योरम लगा के इजीली निकाल सकते हैं, ये डिस्टेंस आएगा रूट अंडर h1 का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, और P से लेके B का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस हो जाएगा रूट अंडर h2 का स्क्वायर n प्लस l माइनस ऑफ x का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब अगर मुझे टाइम टेकन टू बाय लाइट टू ट्रैवल फ्रॉम A टू B निकालनी है, सो डेल्टा T या ऐसे लिख लेते सिंपली टाइम टेकन टू ट्रैवल फ्रॉम A टू B, this will be equal to time taken to travel from A to B and plus time taken to travel from P to B. Time taken to travel from A to P, ये निकालने के लिए क्या करेंगे आप, डिस्टेंस जितना है divided by velocity of light in the medium one करेंगे, ठीक है। तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना है उसको उस मीडियम में, A से P जा रहे हैं तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं AP, AP उसको मैंने यहाँ पे मेंशन करा रूट अंडर h1 का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर and divided by velocity of light in medium one, so इसको मैंने c1 लिख दिया है, c1 speed of light in the medium के लिए लिखा है, ठीक है। फिर time taken to travel from p to b ले जाना है, तो p to b के लिए क्या distance कितना है root under h2 square and plus l minus of x का square and divided by c2 speed of light in that medium कर दिया, ठीक है। अब speed of light in the medium is a constant quantity, वो आपकी मतलब change नहीं करेगी क्योंकि medium तो fixed है। तो अब मेरे को अगर अगर टाइम टेकन मिनिमम चाहिए, तो अगर आप देखोगे तो इस पूरे फंक्शन में एक ही वेरिएबल है और वो वेरिएबल कौन है, x है ना, राइट, क्योंकि हमने x को चेंज किया है। तो अगर कोई भी चीज अगर आपको मिनिमम चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन n इक्वल टू जीरो, एक बार उसको करके देखते हैं कि हमारे पास क्या रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। लेट्स ट्राई टू डू दैट। सो देयरफॉर फॉर टाइम टेकन टू मूव फ्रॉम ए टू बी मिनिमम हमने क्या किया, differentiation of time taken to move from A to B with respect to x, इसको zero कर दिया। So differentiation करो, so 1 by c1, अब इसका differentiation root under h1 square plus x square का differentiation कर रहे हैं, तो यहाँ पे chain rule लगेगा, so यहाँ पे 1 by 2 into root under h1 square plus x square हो गया, फिर into h1 square का differentiation 0 plus x square का differentiation 2x plus अब इसको differentiate कर रहे हैं, so 1 by c2 into this will be 1 over 2 times of root under h2 square plus l minus of x square and that multiplied with 0 plus 2 times of l minus x and फिर l minus x का भी differentiation which is minus 1, ये आपका differentiation हो गया, अब equal to 0 कर ले। तो अगर आप notice करोगे तो ये 2 तो हटा ही देते हैं यहाँ से, ये 2 पूरा का पूरा निकल जाएगा और इधर का भी 2 निकल गया, रीअरेंज करें तो इसमें कुछ ऐसी रिजल्ट आ रही है 1 by c1 into x by root under of h1 square plus x square should be equal to 1 by c2 into l minus of x over root under of h2 square plus l minus of x का स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। अब स्पीड ऑफ लाइट को अगर आप वैक्यूम के टर्म्स में अगर एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डेफिनेशन याद है, म्यू की वैल्यू को जब आप लिखते हैं तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम लिखते हैं, आपको याद है या नहीं याद है ये चीज, ये आपको पता है डेफिनेशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो आपको किसी भी मीडियम में अगर किसी भी मीडियम में अगर आपको स्पीड ऑफ लाइट चाहिए
तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइड बाय रिफ्रैक्टिविटी करना पड़ता है, राइट? ठीक है, तो मैं काम करता हूँ यहाँ पे उसको चेंज कर देता हूँ, ठीक है, आई विल चेंज हियर, तो मैं इसको लिख लेता हूँ, दिस इज सी इन वैक्यूम डिवाइडेड बाई म्यू, तो ये म्यू ऊपर चला जाएगा तो म्यू वन हो जाएगा. सिमिलर तरीके से यहाँ पे भी सेम चीज कर रहे हैं, सी इन वैक्यूम डिवाइडेड बाई म्यू, तो ये म्यू टू हो जाएगा. देखो सही लिखा है मैंने, समझ आएगी आपको? Yes, ये सी तो गया. अब इंटरेस्टिंगली देखो आपके पास क्या रिजल्ट आ रहा है, एक बार ध्यान देते हैं उस डायग्राम से कि x by root under h1 square plus x square क्या है और l minus x by root under h2 square plus l minus x square क्या है. ये चेक करो, ये थीटा को मैं वापस थीटा 1 sin theta 2 एग्जैक्टली, ये sin थीटा 1 और sin थीटा 2 ही है, क्योंकि अगर sin थीटा 1 निकालेंगे तो x by ये क्वांटिटी है which is clearly perpendicular by hypotenuse. सेम तरीके से अगर साइन थीटा 2 निकालेंगे तो आपके पास ये परपेंडिकुलर एंड ये हाइपोटेन्यूज आ रहा है. इसका मतलब ये रिलेशन क्या बना आपके पास, द रिलेशन कम्स आउट टू बी म्यू 1 इनटू साइन थीटा 1 इज कमिंग आउट टू बी म्यू 2 इनटू साइन थीटा 2. यही तो आपका स्नेल्स लॉ है, राइट? तो स्नेल्स लॉ बेसिकली फर्मेट्स प्रिंसिपल का एक्सटेंशन है. नाउ व्हाट इज फर्मेट्स प्रिंसिपल? फर्मेट्स प्रिंसिपल ये कहता है कि जब भी आप किसी भी लाइट रे को किसी भी एक मीडियम के एक फिक्स पॉइंट से दूसरे मीडियम के फिक्स पॉइंट पे पहुंचाना चाहते हैं तो लाइट रे हमेशा जो शॉर्टेस्ट टाइम इंटरवल वाला पाथ होता है हमेशा उसको ही चूज करता है, और जब ये चॉइस करता है वो तो ऑटोमेटिकली स्नेल्स लॉ आपका सेटिस्फाई होता है. क्या आपको बात समझ आई है? यस सर. आई होप एवरीबॉडी इज अंडरस्टूड दिस. यस सर. यस सर. ठीक है, अब ये जो प्रिंसिपल है ये प्रिंसिपल सिर्फ और सिर्फ लाइट के लिए वैलिड नहीं है, ये आप हर चीज के लिए यूज कर सकते हैं, एवरीथिंग. मतलब ये अगर इमेजिन करो अगर अपने लिए भी ये क्वेश्चन सेट किया जाता है, जैसे मान लो कि हम लोग यहाँ पे एक सर्टन, जैसे मान लो कि दो अलग अलग मीडियम है, इमेजिन करो ये सैंड से भरा पड़ा है और इमेजिन करो कि ये यू नो मड से भरा पड़ा है, तो हम सैंड में जितनी तेज भाग सकते हैं मड में तो उतनी तेज नहीं भाग सकते ना. क्या भाग सकते हैं दोनों में सेम स्पीड से? क्या हम भाग सकते हैं दोनों में सेम स्पीड से? नहीं भाग सकते ना, वी कैन नॉट रन विद सेम स्पीड. तो उस केस में अगर कोई मुझे ये बोल दे कि इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में आपको यू नो ट्रैवल करके जाना है, टाइम सबसे कम लगना चाहिए, तो बताइए कौन सा आप पाथ चूज करेंगे? तो उस केस में आप एग्जैक्टली ऐसा ही कंडीशन लगा सकते हैं यहाँ पे. आपको बात समझ में आ रही है फिर हमें? अंडरस्टूड? यस. ऑब्वियसली आपको स्टैंड में कितनी स्पीड से आप भाग सकते हैं ये आपको पता होना चाहिए, एंड मड में कितनी स्पीड से भाग सकते हैं ये पता होना चाहिए. तो ये फॉर्मेट्स प्रिंसिपल आप लाइट वाला जो है वो अपने डे टू डे लाइफ में भी अपने यूज कर सकते हैं. ठीक है, तो फॉर्मेट्स प्रिंसिपल क्या है वो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, साथ में आप भी लिख लीजिए. आपको ये एप्लीकेशन समझ आई फॉर्मेट्स प्रिंसिपल की? यस यस सर. ठीक है, मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ प्रिंसिपल को. इट स्टेट्स दैट व्हेनेवर लाइट हैज टू ट्रैवल फ्रॉम वन fixed point in one medium to another fixed point in another medium, it always chooses the path in which time taken is shortest. ठीक है, यही आपका फॉर्मेट्स प्रिंसिपल है. अब इसका एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल जो आपको बोला उस पर बेस करके एक क्वेश्चन दिखाता हूं आपको, चेक करिए. चलिए अटेम्प्ट करिए इसको. क्वेश्चन लिख के प्लीज टाइम वेस्ट मत करिए, क्वेश्चन को बाद में लिख लीजिएगा. ठीक है, अभी अटेम्प्ट करिए, क्वेश्चन पढ़िए और अटेम्प्ट करिए. एक क्वेश्चन ऐसा कुछ है कि जैसे कोई भी एक रिवर है मान लेते हैं, इस रिवर में कहीं पे एक बोट एंकर्ड है. यहाँ पे मान लेते हैं बोट है जो कि एंकर की हुई है और ये 9 किलोमीटर फ्रॉम दी शोर है.
ये डिस्टेंस आपको 9 किलोमीटर दी हुई है। साथ में एक और इंफॉर्मेशन भी है, उसने इंफॉर्मेशन एक और क्या दिए थे, अ मैसेंजर मस्ट बी सेंट फ्रॉम फिशिंग बोट टू द कैंप 15 किलोमीटर फ्रॉम द पॉइंट ऑन द शोर क्लोजेस्ट टू द बोट। सो पॉइंट ऑन द शोर क्लोजेस्ट टू बोट तो आपका यहाँ पे है, दिस इज द पॉइंट ऑन द शोर क्लोजेस्ट टू बोट। अब इससे वो 15 किलोमीटर पे एक कैंप है, मतलब यहाँ पे कहीं कैंप है, दिस इज कैंप, सॉरी। और इन दोनों के बीच की जो सेपरेशन है, इनके बीच की सेपरेशन, ये आपको 15 किलोमीटर उसने दे रखा है, दिस डिस्टेंस इज 15 किलोमीटर 15। अब सोचो उसने बोला है कि बोट से आपको एक इंसान को भेजना है सच कि वो कैंप पे पहुंच सके और टाइम सबसे कम लगना चाहिए। उसने एक और इन्फॉर्मेशन आपको क्या दे रखा है, मैसेंजर वॉक कर सकता है 5 किलोमीटर पर आर से और वो रो कर सकता है 4 किलोमीटर पर आर से। तो अगर वो डायरेक्टली यहां से यहां आता है तो पाथ भले ही शॉर्टेस्ट होगा, बट क्या स्पीड फास्टेस्ट है इसकी, क्या इसकी स्पीड फास्टेस्ट है? नहीं सर। नहीं, तो टाइम तो ज्यादा लगेगा। फिर आपको ये बोले कि यहां से पहले वो यहां आ जाए फिर इधर से इधर चला जाए ताकि मैक्सिमम टाइम वो तेज भाग रहा हो, ये भी गलत होगा क्योंकि इसमें पाथ लेंथ काफी लंबा हो जाएगा, होगा नहीं होगा? यस। तो उसको कैसा पाथ चूज करना चाहिए, ऐसा पाथ चूज करना चाहिए जहां पे स्नेल्स लॉ सेटिस्फाई करे। स्नेल्स लॉ सेटिस्फाई करे तो यहाँ पे अगर ये रे आती है तो स्ट्राइक करके यहाँ पे कैंप पे पहुंच जाए, ऐसे तो कुछ होगी राइट, ऐसे कुछ होगा ना? यस सर। अब ये सोचो जब ये लाइट रे ग्रेजिंग रिफ्रैक्शन करती है तो उसको वो कितने एंगल पे इंसिडेंस होती है, आपको याद है? क्रिटिकल एंगल पे होती है, नहीं होती है? यस सर। राइट, सो दिस इज बेसिकली क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, अभी क्रिटिकल एंगल पे आपको भेजना था और क्रिटिकल एंगल का डेफिनेशन यूज करो डायरेक्टली, आपको नहीं भी पता है तो भी आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। अब क्या बोल सकते हैं, जैसे इसको मैं मीडियम वन मान रहा हूँ, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू वन होता और इसको मीडियम टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर म्यू टू होता तो आप रिलेशन क्या लिखते, क्या रिलेशन लिखते, म्यू वन इंटू साइन थीटा सी शुड बी इक्वल टू म्यू टू साइन 90, यही तो लिखते हैं ना? यस सर। राइट, एंड ऑल्सो आपको ये भी पता है कि म्यू की वैल्यू जब आप लिखते हो किसी भी मीडियम के लिए तो क्या लिखते हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। यहाँ पे स्पीड की, स्पीड ऑफ लाइट की बजाय हमको क्या यूज करना पड़ेगा, स्पीड ऑफ पर्सन, यही तो यूज करना पड़ेगा ना, करना पड़ेगा नहीं? Yes, समझ आ रही है आपको? आई होप यू अंडरस्टैंडिंग एवरीबॉडी। सो यहाँ से म्यू को हम रिप्लेस करेंगे किससे, 1/v से रिप्लेस करेंगे क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम था। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये 1/v1 बन जाएगा, मतलब वेलोसिटी इन मीडियम 1, एंड इनटू साइन थीटा सी दैट विल बी इक्वल टू म्यू टू की जगह यूज कर रहे हैं 1/v2 एंड इनटू साइन 90, तो आपका 1 हो जाएगा। अगर आप नोटिस करोगे तो कितने एंगल पे वो इंसिडेंस होना था वो आपको पता चल चुका है, साइन थीटा इज कमिंग आउट टू बी v1/v2 एंड v1/v2 कितना है, 4/5 है, ये था ना शायद? हाँ ये तो था। क्या आपको ये नहीं पता चल रहा थीटा कितना है, थीटा कितना निकल गया, 37 डिग्री आपको दिख, नहीं सॉरी 53 डिग्री आपको दिख रही है, दिख रही है आपको 53 डिग्री? यस। नो कैलकुलस नाउ, क्यों? क्योंकि हमने फर्मस प्रिंसिपल यूज किया है यहाँ पे। तो ये थीटा सी अगर 53 डिग्री आई चुकी है आपकी तो ऑब्वियसली ये भी कितनी होगी, 53 डिग्री होगी। अब ये अगर 53 डिग्री है तो कितने दूर पे ये जाके वहां पे बोट से जमीन पे लैंड किया, ये आपको पता चल जाएगा। अगर मैं इसको एक्स मान लेता हूँ तो यहाँ से क्लियरली इस डायग्राम से tan 53 की वैल्यू 4/3 लगाइए एंड इसको परपेंडिकुलर बेस से इक्वेट कर लीजिए। परपेंडिकुलर कितने का है, x, बेस कितने का है 9, सो ये 3 हो गया एंड आपको x की वैल्यू मिल गई है 12, दिख रही है आपको, दिख रही है? सो 12 किलोमीटर दूर पे जाके उसको लैंड करना पड़ेगा। तो अगर ये x की वैल्यू आपको 12 मिल चुकी है तो यहाँ से यहाँ तक की ये जो डिस्टेंस बची, ये डिस्टेंस कितनी हो गई आपके लिए, दिस इज 15 - 12 विच इज 3 किलोमीटर। तो 3 किलोमीटर का डिस्टेंस उसको यहाँ पे वॉक करके जाने का है। अब उसने क्या पूछा था, शॉर्टेस्ट टाइम पूछा था ना उसने, डिटरमाइन द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द शोर वेयर ही मस्ट स्टार्ट रनिंग सो एज टू रीच। अच्छा नहीं, बस उसने यही पूछा था कि कहाँ पे उसको यू नो रन दौड़ने से स्टार्ट करना है। तो दौड़ने से कहाँ से स्टार्ट करना है, तो ऑलरेडी हमने निकाल लिया 12 किलोमीटर दूर पे स्टार्ट करना है, समझ आइए ना? अब टाइम अगर पूछा हो तो उन्होंने टाइम की वैल्यू कितनी आएगी, सो डेल्टा टी जो अपना मिनिमम है वो कितना हो जाता है यहाँ पे,
ये स्लांट हाइट कितना, ये जो लेंथ हमने निकाल रखा, ये लेंथ कितना हो जाता है? ये लेंथ आप डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हैं, दिस इज 9/cos 53 लिख सकते हैं ना, ये 9/ कितने लिखते हैं हम, 3/5 ये लिखते हैं ना, और ये कितना हो जाता है, 3 × 3 = 9, 3 × 5 = 15 किलोमीटर आता है ये। तो आपके पास आंसर क्या होता, डेल्टा टी मिनिमम हो जाता 15/4 प्लस रिमेनिंग डिस्टेंस कितना था, 3 × 3/5 सो 75 + 12 = 87/20 तो यार ये आपके पास 4.35 ये आवर में हो जाता शायद, क्योंकि किलोमीटर था और ये किलोमीटर पर आवर था, हाँ तो ये 4.35 आवर हो जाएगा, ये आंसर हो गया। आई होप सबको समझ आ गई एग्जांपल। यस ठीक है, चलिए एक एक क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करिए, प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन है, खुद से ट्राई करिए, ट्राई करिए देखिए क्या हो रही है। ठीक है देखो क्वेश्चन को एक बार मैं रीड कर लेता हूँ फिर उसके बाद फिर प्रोसीड करते हैं। अ बॉय स्टैंड्स 4 meters फ्रॉम अ वर्टिकल वॉल एंड थ्रोज अ बॉल, द बॉल लीव्स द बॉयज हैंड्स एट 2 meters अबव द ग्राउंड with an initial velocity of 10 i cap, 10 j cap, मतलब horizontal and vertical velocities उसने दे रखी है। Normally जब आपको x axis and y axis का choice नहीं दिया है, projectile का case है, so always choose the horizontal direction of component of the velocity as the x axis and vertical component of the velocity as the y axis. When the ball hits the wall, its horizontal component of velocity is reversed and the vertical component of velocity remains unchanged. Where does the ball hit the ground? ये जो condition है उसने दे रखा है, ये actually मैंने आपको समझाया था, ये पहले भी बताया था कि elastic collision जब भी किसी fixed surface के साथ होती है तो उस केस में दो चीजें maintain होती है, एक है कि speed, जिस speed के साथ वो surface को strike कर रहा है और जिस speed से rebound करता है, ये दोनों same होती है, and दूसरा angle of incidence और angle of reflection क्या होता है, same होता है। कोई याद है ये condition मैंने आपको बताया था? Yes. Right? Yes. ये exactly उसने यही condition दे ही रखा है, उन्होंने exactly यही condition दे रखा है, तो इसीलिए इलास्टिक कोलिजन का ही केस है। अगर इलास्टिक भी बोला होता, मतलब ये जो इतनी लंबी सी चीज लिखने की बजाय अगर उन्होंने सिर्फ कह दिया होता कि व्हेन द बॉल हिट्स द वॉल इट कोलाइड्स इलास्टिकली, तो भी आपको यही बात समझना पड़ता। तो मैं आपको ये चीज को भी सॉल्व करके दिखाता हूँ कि आप कैसे अप्रोच लेंगे। मैं एक बार जस्ट यहाँ पे वॉल एंड फ्लोर को रीड्रॉ करता हूँ। सो लेट अस से हमारे पास वॉल यहाँ पे है एंड ये एक लंबी सी फ्लोर है, हमने यहां से कहीं से ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया है। सो ऑब्जेक्ट यहां से प्रोजेक्ट करने के बाद कुछ ऐसा पाथ फॉलो करता है, फिर यहां पे जब ये स्ट्राइक करने वाला होता है, स्ट्राइक करने वाला होता है, तो इसकी जो भी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रहती है, जो भी हमने वी एक्स मार्क कर लिया एंड जो भी वर्टिकल वेलोसिटी है इसको हमने वी वाई मार्क कर लिया, तो कोलिजन के तुरंत बाद की अगर हम बात करें, कोलिजन के तुरंत बाद, तो तुरंत बाद में जब आप वेलोसिटीज के कंपोनेंट्स शो करोगे, तो इस केस में वेलोसिटी की जो वर्टिकल कंपोनेंट है ये आपको चेंज नहीं करनी है और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को जस्ट यहां पे रिवर्स कर देना है। क्या आपको बात समझ आई क्या बोला मैंने? Have you understood what I said? Yes, sir. Yes, sir. तो इससे होगा क्या, फाइनली आपका ये ऑब्जेक्ट जो है इधर आके किसी एक पॉइंट पे लैंड कर जाएगा। ठीक है, आपको यही फाइंड करना है यहाँ पे क्वेश्चन में। उसने ये पूछा है व्हेन डज द बॉल हिट द ग्राउंड, मतलब पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से ऑब्वियसली उसके रिस्पेक्ट में कोऑर्डिनेट्स आपको बताना है। इसको एनालाइज करने का एक तरीका जो होगा कि बिना, अगर मैं इसको जस्ट मिरर इमेज की तरह सोचूं, मिरर इमेज की तरह, जैसे ये जो वर्टिकल वॉल उसने दे रखा है उसको एक मिरर की तरह इमेजिन करो, मिरर की तरह। अब ये सोचो कि अगर मैं इस जो पार्टिकल का मोशन हो रहा है उसका इमेज अगर ड्रॉ करता तो कैसा बनता, इमेज बना रहे हैं, ठीक है, देखिए मुझे ध्यान से बताओ कि क्या यही इमेज होता या नहीं होता, ऐसे कुछ होता या नहीं? यस सर। ये सबको समझ आ रही है? ये सबको समझ आ रही है? यस सर। यस सर। और अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर ये वॉल नहीं होता तो एग्जैक्टली यही उसका लोकस हुआ होता, होता ही नहीं होता? यस सर। यस सर। यू अंडरस्टैंड एवरीबॉडी? डू यू अंडरस्टैंड एवरीबॉडी? यस सर। सो this would have been the locus
in absence of wall. ठीक है, मतलब वो उसका मिरर इमेज है. दिस इज मिरर इमेज, मतलब ये दोनों जो पार्ट है, ये वाली और ये वाली, दीज आर मिरर इमेजेस. मिरर इमेजेस हैं, इसीलिए अब हमारा एक बार हम ये रियलाइज करते हैं तो हमारा काम बहुत ही आसान हो चुका है. देखो, अगर मैं इधर से हॉरिजॉन्टल लाइन पे इसको मैं एक्स एक्सिस ट्रीट कर लेता हूँ एंड वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में मैंने वाई एक्सिस ट्रीट कर लिया है. ठीक है, यहाँ पे हमसे प्रोजेक्टेड जो वेलोसिटी थी ऑब्जेक्ट की यू, और ये एंगल तो 45 डिग्री था क्योंकि दोनों कॉम्पोनेंट आपका 10 एंड 10 था. आपको याद है ना, ux भी 10 था, ux वॉज ऑल्सो 10 एंड ui वॉज ऑल्सो 10. सो ऑब्वियसली आपका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन आपका 45 डिग्री का था. उसके बाद ऑब्जेक्ट को लैंड करना है, तो अगर नोटिस करोगे तो फाइनली जो इस पॉइंट पे वो लैंड कर चुका है, ये वाली पॉइंट पे, मैं डायरेक्टली मतलब बिना मतलब मिरर इमेज के साथ कैलकुलेशन कर रहा हूँ, मतलब जो लोकस जो मैंने एब्सेंस ऑफ वॉल में दिखा रखा उसकी बात कर रहा हूँ. तो इसके लिए अगर आप कोऑर्डिनेट्स मार्क करते हो तो वर्टिकल डिस्टेंस आपका 2 मीटर है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 4 मीटर है. तो इसको भी यहाँ पे दिखा देते हैं. ये वाली जो डिस्टेंस है ये आपकी 2 मीटर है एंड ये डिस्टेंस आपकी 4 मीटर है. ठीक है, हमें ये फाइंड करना है कि वो वॉल से कितना दूर पे गिरा है. अगर ये फाइंड करनी है तो ये डिस्टेंस को अगर सपोजली मैं यहाँ पे एल ले लेता हूँ, तो ऑब्वियसली ये डिस्टेंस भी कितनी है, एल है ना, ये डिस्टेंस एल. चेक करो. yes. ठीक है, अब मैं डायरेक्टली अगर लोकस में ही इक्वेशन में बस बिठा दो वैल्यूज को, आपको लोकस अगर याद हो तो लोकस की वैल्यू कितनी होती थी आपको याद है, वाई इक्वल टू एक्स टैन थीटा माइनस ऑफ जी एक्स स्क्वायर बाय ट्वाइस ऑफ यू स्क्वायर इनटू कॉस स्क्वायर थीटा. आपको याद है, याद है, वाई इक्वल टू एक्स टैन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बाय टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, याद है आपको ये एक्सप्रेशन. yes. इसमें ही सोचो आप इसके रेस्पेक्ट में अगर कोऑर्डिनेट्स बताओगे इस पॉइंट का, तो कोऑर्डिनेट्स कितना है, वाई कोऑर्डिनेट कितना है, वाई कोऑर्डिनेट कितना है, जीरो. देखो फ्रेंड, ये लाइन के रेस्पेक्ट वाई कोऑर्डिनेट तुमको जीरो दिख रहा है, नो सर माइनस टू. फिर उल्टी पुल्टी चीजें बोलते हो, इसकी वाई कोऑर्डिनेट हो गई माइनस टू एंड एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट्स भी नहीं समझ आते, बताओ ये कैसे मार्किंग करेंगे. आपको कोऑर्डिनेट्स नहीं समझ आ रही है कितनी है, हाँ भाई, तो मार्किंग करने के बाद तो ऑब्वियस हो गया ना, ये तो चिपका देंगे बस अब यहाँ पे. सो वाई की वैल्यू हमने माइनस टू डाली और एक्स की वैल्यू को अभी फोर प्लस एल लिख लेते हैं, फोर प्लस एल एंड टेन 45 आ जाएगा यहाँ पे, माइनस ऑफ जी तो 10 है, एक्स स्क्वायर मतलब वही 4 प्लस एल का स्क्वायर करना पड़ेगा अपने को एंड डिवाइडेड बाय 2 यू स्क्वायर. यू स्क्वायर वाज 10 रूट 2 था, तो 10 रूट 2 का स्क्वायर करना पड़ेगा एंड कॉस स्क्वायर 45 लिखना पड़ेगा. दिस विल बी कॉस स्क्वायर 45 डिग्री. कॉस स्क्वायर 45 इज 1/√2, 1/√2 का कॉस 45 इज 1/√2, तो उसका स्क्वायर करोगे तो ये स्क्वायर भी आपके टर्म हट जाएगा. तो आपके पास रिजल्ट आ रही है माइनस 2 इज इक्वल टू 4 प्लस एल माइनस ऑफ दिस इज 10 इंटू 4 प्लस एल का स्क्वायर डिवाइडेड बाई दिस इज 2 इंटू 100. यहाँ से एक डेसिमल हट जाएगा, यहाँ से 20 हो जाएगा. तो आपके पास एक्सप्रेशन आ रही है 20 इंटू 2 इज 40, माइनस ऑफ 40 इज इक्वल टू 20 इंटू 4 इज माइनस सॉरी 80 प्लस 80 एल माइनस ऑफ 16 प्लस एल स्क्वायर प्लस 8 एल. So what you're getting finally is L square, यहाँ पे है 80L minus 8L, मतलब plus 72L. L माना plus नहीं minus हो जाएगा, ये L square minus 72L, ये LHS में आ गया है तो 72 minus हो जाएगा. ठीक है, and यहाँ पे ये 16 minus है तो 80 में से 16 गया तो 64 बचेगा, 64 फिर उधर लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो 40 के साथ ऐड अप होएगा. सो माइनस 64 माइनस 40, दिस इज कमिंग आउट टू बी माइनस ऑफ 104. एक बार कैलकुलेशन जस्ट चेक कर देना, 104 दिस इज इक्वल टू 0. चेक करो, ये आ रही है, आ रही क्या ये, आ रही नहीं आ रही है,
सर एटीएल कैसे हो रहा है क्या 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 20L होगा तो सेकंड लास्ट स्टेप सेकंड लास्ट स्टेप 80+20L 80+20L ये 20L सही कह रहे हैं 80+20L और यहाँ पे इधर तो गलती नहीं है ठीक है तो 20 में से 8 गया ना सिर्फ हमारा तो 20 में 8 गया तो 12 हो जाएगा ठीक है अभी ठीक है yes. अभी ठीक सो L की वैल्यू फाइनली कितनी आ जाएगी आपकी 12 प्लस माइनस ऑफ 144 प्लस 416 डिवाइडेड बाय 2 सो दिस इज 12 प्लस माइनस ऑफ रूट अंडर ऑफ दिस कमिंग आउट टू बी 416 560 560 आ रही है एंड डिवाइडेड बाय दिस इज 2 सो ऑब्वियसली नेगेटिव रूट आपका डिस्कार्ड हो जाएगा क्योंकि एल नेगेटिव नहीं हो सकती तो एल की वैल्यू जो आ रही है दिस इज 12 प्लस रूट अंडर 560 एंड डिवाइडेड बाय 2 560 560 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर 24 का स्क्वायर रूट इज स्क्वायर 24 का स्क्वायर इज 576 23 का स्क्वायर इज 529 सो दिस इज वेरी क्लोज टू 576 तो 24 के वेरी क्लोज होगा मतलब 23.67 ऐसे कुछ होगा 7 के आसपास वैसे कुछ होना चाहिए 19 ऐसे भी कर सकते हैं 4 into 14 ऐसे भी कर सकते हैं ठीक है एक थोड़ा आसान हो जाएगा सो 56 को हम 14 into 4 लिख लेते हैं तो 2 बाहर निकल जाएगा रूट अंडर 140 बन जाएगा 140 एंड डिवाइडेड बाय दिस विल बी 2 140 को अगर हम लिखें तो 4 into 35 लिखेंगे तो ये ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट अगर देखोगे तो ये 12 ही आ जाएगा क्योंकि yes, है ना तो अप्रोक्सीमेटली लिखें तो ये 12 प्लस 2 into 12 मतलब 24 एंड डिवाइड बाय 2 है सो 24 प्लस 12 इज 36 36 बाय 2 इज 18 तो अप्रोक्सीमेटली ये 18 मीटर्स का डिस्टेंस आएगा समझ आई है अप्रोक्सीमेटली ऑब्वियसली एग्जैक्टली मैंने कैलकुलेट नहीं किया ठीक है आई होप सबको क्वेश्चन का लॉजिक समझ आ गया बाकी कैलकुलेशन तो एक अलग पार्ट है बट क्वेश्चन का लॉजिक समझ आ गया सभी को आगे बढ़े यस यस ठीक है चलिए अब प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइन प्लेन करते हैं प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइन प्लेन क्वेश्चन में कुछ ऐसा सिचुएशन होगा जैसे यहाँ पे मान लो आपकी एक इंक्लाइन प्लेन दी हुई है एंड दिस इज इंक्लाइंड एट सम एंगल मान लेते हैं थीटा विद द हॉरिजॉन्टल और यहाँ पे आप क्या कर रहे हो यहाँ पे आप एक ऑब्जेक्ट को फेंकते हो सच कि उसकी वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है वेलोसिटी का डायरेक्शन इट मेक्स एन एंगल अल्फा विद द इंक्लाइन प्लेन स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन आपको यू दी हुई है तो फाइनली ऐसा कुछ लोकस में फॉलो करके फिर किसी एक पॉइंट पे जाके लैंड कर जाता है ठीक है इंक्लाइन प्लेन पे तो इंक्लाइन प्लेन पे जहाँ पे भी इसने लैंड किया वो सारी उस पॉइंट पे वापस से आपको वो सारी पैरामीटर्स पूछ सकते हैं वो जो भी चीजें आप जानना चाहते हैं इससे रिलेटेड जैसे कितने देर के बाद गिरा कितने दूर गिरा किस स्पीड से स्ट्राइक किया उसने ये सारी चीजें आपसे पूछी जा सकती है ठीक है तो एक एक करके आपको ये एनालाइज करना सिखाते हैं इसके एनालिसिस के लिए बेस्ट तरीका जो होगा वो ये है कि आप अपने कोऑर्डिनेट एक्सिस को आप स्प्लिट कर लीजिए एक अलोंग द इंक्लाइन प्लेन और दूसरा परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन प्लेन इससे एनालिसिस काफी आसान हो जाएगा आप करके देखते हैं एक बार जैसे मैंने क्या किया यहाँ पे एक पैरेलल टू इंक्लाइन प्लेन पर मैंने एक लाइन ड्रॉ कर रखा है दिस इज फॉर एक्स एक्सिस एंड एक परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन प्लेन मैंने एक लाइन ड्रॉ कर रखा है दिस इज फॉर वाई एक्सिस ठीक है दीज टू लाइन्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा तो मैंने क्या किया यहाँ पे वेलोसिटी के कंपोनेंट्स ब्रेक कर लिए यहाँ पे सो एक अलोंग द एक्स एक्सिस आ गया सो यू एक्स मार्क कर रहे हैं दैट विल बी यू कॉस ऑफ अल्फा एंड एक वर्टिकल कंपोनेंट वर्टिकल नहीं मतलब परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन प्लेन बोलना बेटर वर्ड होगा
So perpendicular to inclined plane, हम एक component mark कर रहे हैं, जिसे is UY, which is U sin theta. ठीक है? अब जैसे पहले जब ये motion horizontal and vertical होता था, तो आप बोलते थे कि UX जो है वो constant रहेगी, क्यों? क्योंकि acceleration along x-axis zero रहती थी. But क्या इस बार UX constant रहेगी? नहीं. क्यों? क्योंकि इस बार अगर आप करोगे गुड, दोनों डायरेक्शन में ही आपको एक्सेलरेशन दिखेंगे. तो मैंने क्या किया यहाँ पे, एग्जैक्टली उस चीज को नोटिस करके मैंने यहाँ पे एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट्स ब्रेक किए. मैंने यहाँ पे जी मार्क किया और इस जी के लिए मैंने दो कंपोनेंट्स यहाँ पे ब्रेक करना स्टार्ट किया. एक पैरेलल टू इंक्लाइन प्लेन खींचेंगे और एक परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन प्लेन खींचेंगे. सो मेक श्योर दैट दिस लाइन लुक्स पैरेलल, क्योंकि दोनों ही ये परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन प्लेन है. अब मैं कंपोनेंट ब्रेक कर रहा हूँ. सो इधर से अगर आप नोटिस करोगे तो ये वाली एंगल अपने को थीटा दी हुई है, तो ये एंगल भी थीटा हो गई. तो जी की एक कंपोनेंट जो परपेंडिकुलर इंक्लाइन प्लेन है, ये जी कॉस थीटा हो गई, और एक कंपोनेंट जो पैरेलल टू इंक्लाइन प्लेन है, वो आपकी जी साइन थीटा हो गई है. अब अगर आप नोटिस करोगे तो एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस ये भी एग्जिस्ट करता है, विच इज माइनस ऑफ जी साइन थीटा, एंड एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस भी एग्जिस्ट करता है, विच इज माइनस ऑफ जी कॉस थीटा. क्या आप सभी को दिख रही है ये चीज? दिख रही है? Yes, sir. Yes, sir. Okay. जब ये इंक्लाइन प्लेन के रेस्पेक्ट में मैक्सिमम हाइट पे होगा, जब भी ये इंक्लाइन प्लेन के रेस्पेक्ट में मैक्सिमम हाइट पे होगा, तब उसकी वेलोसिटी पैरेलल टू इंक्लाइन प्लेन होगी, होगी नहीं होगी? Yes. Right? This is maximum height with respect to inclined plane and not with respect to ground. क्योंकि ग्राउंड के रेस्पेक्ट में मैक्सिमम हाइट, तो ये वाला केस है, आपको दिख रहा है यहाँ वाला पॉइंट है ना? Yes, sir. तो ये ग्राउंड से मैक्सिमम हाइट है, बट अगर आप इंक्लाइन प्लेन के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो ये वाली पॉइंट आपके मैक्सिमम हाइट पे मिलेगी. ठीक है? क्या हम ये कह सकते हैं कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगी दैट विल बी यू कॉस अल्फा? कह सकते हैं? कह सकते हैं क्या? यस. नहीं कह सकते. क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन तो इस बार एक्सेलरेशन है, तो वो तो डेफिनेटली चेंज हुआ होगा. ये वाली वैल्यू तो घटी होगी, क्योंकि इसके लिए ऑपोजिट डायरेक्शन में एक एक्सेलरेशन है, तो डिक्रीज नहीं करेगा क्या? वो करेगा ना? आई होप यू अंडरस्टैंडिंग, राइट? तो यहाँ पे there is some velocity, but what is this velocity? We do not know. This velocity at top, अभी फिलहाल के लिए वो हमको पता नहीं है. We do not know that, ठीक है? But if this is taken as t equal to zero, जब हमने फेंका है, this is time taken to go up with respect to inclined plane. इसको मैं t up लिखना है, थोड़ा गलत होगा. मैं t one लिख लेता हूँ, just to indicate कि ये ऊपर जाने का जर्नी है, ठीक है? एंड फिर यहाँ पे जब ये लैंड कर रहा है, तो मैं इसको t इक्वल टू कैपिटल t मेंशन कर रहा हूँ, ठीक है? जब ये लैंड करेगा तो टोटल टाइम ऑफ जर्नी के लिए. आप ये याद करो कि जब हम एक ऑब्जेक्ट को ऐसे फेंकते हैं, वर्टिकली अपवर्ड्स फेंका u से, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ g है, तो ऊपर जाता है, फिर वेलोसिटी जीरो होता है, एंड फिर वापस से नीचे आके लैंड करता है, राइट? तो इसमें ऊपर जाने का टाइम आपको पता है और नीचे आने का टाइम भी पता है ना? सेम होता है u / g, पता है आपको? डू वी नो दिस ऑर नॉट? यस. अब इसको अगर रिलेट करो, आप इसमें इसे रिलेट करो, इधर फेंका गया है यू साइन थीटा से, आप सिर्फ और सिर्फ अभी वाई डायरेक्शन पे कंसंट्रेट करो, आपको समझ में आएगा कि क्या हो रहा है. वाई डायरेक्शन में अगर मैं कंसंट्रेट करूँ, तो जैसे एक बार रीड्रॉ करो बस डायग्राम को, सोचो कि ये वाई एक्सिस अभी इधर है, ठीक है? ऐसा है, और मैंने ऊपर फेंका है यू साइन ऑफ, अच्छा ये अल्फा होगा, मैंने थीटा लिख दिया वहां पे, अल्फा. यहाँ पे अल्फा होगा, दिस विल बी यू साइन अल्फा. तो अभी मैं कह रहा हूँ कि अब आप y एक्सिस को सिर्फ नोटिस करो, ठीक है? ये y एक्सिस पे फिर सिर्फ नोटिस करो, तो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है u sin अल्फा, और एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में कितना है g cos थीटा. तो दिख रहा है? कैन यू सी? यस सर. तो इस केस में ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा, फिर वापस से नीचे आएगा, और ऊपर जाने और नीचे आने का टाइम क्या होगा? सेम होगा या नहीं होगा? होगा. यस सर. और ये कितनी आनी चाहिए? u sin अल्फा / g cos थीटा, ऊपर जाने का टाइम, और नीचे आने का टाइम भी सेम, u sin alpha / g cos theta. तो टाइम ऑफ फ्लाइट तो आपको तुरंत ही मिल गया, कितना हो गया? Twice of u sin alpha / g cos theta. Did you understand everybody? Yes. ठीक yes. है? Yes. इसको मैं इसको just ऐसे mention कर देता हूँ ताकि आप correlate कर पाएं, ठीक है? So along x-axis, sorry, along y-axis जो हमें दिख रही है, y-axis जो हमें दिख रही है, उसको मैं just split करके लिख रहा हूँ. तो split करने के बाद मुझे कुछ ऐसा दिख रहा है situation. इस तरफ हमने फेंका है u sin अल्फा से, और एक्सेलरेशन ऑपोजिट डायरेक्शन में g cos थीटा का एग्जिस्ट करता है. ये ऑब्जेक्ट ऊपर जाना है इसको, फिर उसके बाद फिर वापस से नीचे आके लैंड करना है. ये t = 0 है,
यहाँ पे आपको वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस जीरो मिलेगी, ये t इक्वल टू टी वन हमने मार्क किया है और ये t इक्वल टू कैपिटल T मार्क किया है। यहाँ पे वापस से जब ये नीचे पहुंचेगा तो वेलोसिटी के पास वापस से मैग्नीट्यूड में कितना हो जाएगा, u साइन अल्फा हो जाएगा, होगा ना, राइट होगा ना। यस यस, सो t1 की वैल्यू आप कितनी लिखेंगे आप यहाँ पे, u साइन अल्फा बाय g cos थीटा, एंड टाइम टेकन टू गो अप टाइम टेकन टू कम डाउन सेम होगा, सो देयरफॉर कैपिटल T की वैल्यू लिखेंगे तो ट्वाइस ऑफ टाइम टेकन टू गो अप एंड दैट विल बी ट्वाइस ऑफ u साइन अल्फा बाय जी कॉस हो जाएगा। ये आपका टाइम ऑफ फ्लाइट मिल चुका है आपको, सो ठीक है, तो ये आपकी टाइम ऑफ फ्लाइट का स्टैंडर्ड रिजल्ट हो गया, टू साइन टू ट्वाइस ऑफ यू साइन अल्फा बाई जी कॉस थीटा। आप रिजल्ट की तरह ज्यादा रटो नहीं है इसको, आप बस तरीका याद रखो क्योंकि 1D का ही रिजल्ट हमने यूज किया है तो इससे बहुत ही आसानी से समझ आएगा आपको। फिर हमने अगर सपोजली ये पूछा आपसे कि इंक्लाइन प्लेन के रिस्पेक्ट में मैक्सिमम हाइट ये कितना ऊंचा गया, व्हाट इज दिस मैक्सिमम हाइट h विद रिस्पेक्ट टू इंक्लाइन प्लेन, u स्क्वायर बाय 2g फार्मूला। हाँ, u स्क्वायर बाय 2g वाला फार्मूला यूज करेंगे तो यहाँ पे बस सब्स्टिट्यूशन आपको करना पड़ेगा, u को रिप्लेस करना पड़ेगा u sin अल्फा से एंड g को रिप्लेस करना पड़ेगा cos थीटा। सो h की वैल्यू अगर निकालनी है हमें तो इनिशियल वेलोसिटी व्हिच इज u sin अल्फा इसका स्क्वायर करेंगे एंड डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ g into cos theta कर लेंगे, that's it। So ये आपको maximum height का भी value मिल गया, ठीक है? तो लो चीजें तो हमने find कर लिए, अब range find करते हैं। Range निकालने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा? Along the x-axis basically motion को analyze करना पड़ेगा। तो ये distance अपने को निकालना है, ठीक है? अब x-axis पे चले आते हैं। So along x-axis अब बात कर रहे हैं। तो एक्स एक्सिस के अलोंग अगर आप देखोगे तो इस डायरेक्शन में हमारे पास एक वेलोसिटी है u cos ऑफ अल्फा, इसको t इक्वल टू जीरो पे प्रोजेक्ट किया गया और इस पे ऑपोजिट डायरेक्शन में एक एक्सेलरेशन एग्जिस्ट करती है विच इज g sin ऑफ थीटा है, तो ऑब्वियसली ये स्लो डाउन करता जाएगा एंड फाइनली एक पॉइंट पे आके ये यहाँ पे स्ट्राइक कर रहा है जमीन पे, मतलब वो फ्लोर पे। तो इसके पास कुछ ना कुछ एक वेलोसिटी का x कॉम्पोनेंट है, हमें नहीं पता कितना है, दिस इज ऑब्वियसली नॉट इक्वल टू u cos अल्फा, वो चेंज हो चुका होगा एंड दिस टाइम इज कैपिटल T जो हमने ऑलरेडी निकाल रखा है। तो यहाँ से यहाँ तक का ये जो डिस्टेंस है ये वाला डिस्टेंस को हम अब रेंज कह रहे हैं। सो ये रेंज कितनी आनी है, सो रेंज के लिए अब इक्वेशन यूज करेंगे, सो R विल बी s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at square यूज करेंगे, सो देयर विल बी u cos ऑफ अल्फा into t प्लस हाफ ऑफ माइनस ऑफ g sin थीटा into t square, सही है? चेक करो एक बार, ठीक लिखा है, ठीक लिखा है? अरे हाँ, या ना तो बोल दो, कम से कम पता तो चले कि आप सुन रहे हैं, सो गए। u cos alpha into t, अब t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, सो t की वैल्यू कितनी थी, twice of u sin alpha divided by g cos theta minus of half into g sin theta into t का स्क्वायर लिख रहे हैं फिर से, सो ये हो जाएगा आपके पास 2 u sin theta sin alpha by g cos of theta and इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, जो चीजें कॉमन आउट हो रही है उसको बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है? सो वी कैन टेक आउट ट्वाइस ऑफ u स्क्वायर sin अल्फा by g cos theta, इसको तो पूरा का पूरा ही बाहर निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे आपके पास बचेगा cos of अल्फा और यहाँ बचेगा आपके पास माइनस ऑफ sin theta into sin अल्फा by cos theta, ये बचेगा, चेक करिए एक बार सही आ रहा है क्या, इसी को रीअरेंज करते हैं, सो वापस से आपके पास रिजल्ट आएगा ट्वाइस ऑफ यू स्क्वायर बाय जी कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, यहाँ पे साइन अल्फा और इसके साथ मल्टीप्लाई होगा आपका कॉस अल्फा कॉस थीटा माइनस ऑफ साइन अल्फा साइन थीटा, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी क्या होता है, तो इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस विल बी कॉस ऑफ अल्फा प्लस थीटा एंड डिवाइडेड बाय दिस विल बी जी कॉस स्क्वायर थीटा, ये रिजल्ट आ गया रेंज का, सो दिस इज द रेंज ऑन द इंक्लाइन प्लेन इन टर्म्स ऑफ अल्फा एंड थीटा। आई होप समझ आ गई सभी को, समझ आ गई है? यस सर। आपको इस रिजल्ट को रटने का जरूरत नहीं है, देखो इतना टाइम क्यों लगा है पता है इसको सॉल्व करने में, क्योंकि मैं वेरिएबल्स को मतलब यूज करके फाइनली एंड रिजल्ट एक सुंदर सा बनाना चाह रहा हूँ,
जब आपके पास डेटाज होगा ना, जैसे 30 डिग्री पे इंक्लाइन प्लेन है, इंक्लाइन प्लेन है, और मैंने इंक्लाइन प्लेन के रेस्पेक्ट में 37 डिग्री पे प्रोजेक्ट किया है, वेलोसिटी दिया हुआ है, तो उस केस में अगर कितना दूर पे लैंड करेगा ये पूछा है, तो फिर इसको कैलकुलेट करने में बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। देखो क्योंकि टाइम यू साइन अल्फा बाई जी कॉस, जैसे ही डालोगे वैल्यूज को तो तुरंत ही एक छोटी सी टाइम वैल्यू आपको मिल जाएगी वहां से। उसके बाद फिर उस टाइम को जब आप इस इक्वेशन में यूज करोगे तो इतना लंबा स्टेप्स जाना नहीं है, वो काफी छोटे में खत्म हो जाएगा। क्या आपको रियलाइजेशन हो रही है इस बात की? समझ आ रही है आप सभी को या नहीं आ रही है? ठीक है, तो मैं मतलब जिनको बिल्कुल समझ नहीं आता, मतलब इतना बताया मैंने आपको एनालाइज करने का तरीका, बट फिर भी कुछ भी नहीं समझ आ रहा है, तो फिर ठीक है आप रट लो, वैसे कोई बड़ी बात नहीं है। बट जिन लोगों को समझ आ रही है तो इसको एंड रिजल्ट को रटने का जरूरत नहीं है आपको, ये एटलीस्ट ये रटने का जरूरत नहीं है। हाँ, इसके आगे कुछ अच्छी चीजें हैं जो आपको याद करने के लिए मैं बोलूंगा, वो आप याद रखेंगे, बट फिलहाल के लिए इतना। यहाँ तक एक डाउट थ्योरी में कोई डिस्कशन में कुछ चिंता की बात या कोई भी चीज नहीं समझ आ रही है आपको तो पूछिए। जैसे एक चीज जो आपसे पूछी जा सकती है वो क्या पूछी जा सकती है, जैसे एनालिटिकल क्वेश्चंस होंगे तो मेजरली वहां आप कर सकते हैं। जैसे अगर ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल होती है तो उस केस में ये वर्टिकल लाइन अगर मैं ड्रॉ कर दूं, मतलब जो एक्सिस ऑफ पैराबोला है उसको अगर मैं खींच दूं यहां से, तो इधर का मोशन और इधर का मोशन बिल्कुल एक जैसा ये मिरर इमेज है या नहीं? यस सर। बट यहां पे अगर मैं एक ऐसा लाइन खींच दूं जो परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन प्लेन है, क्या इधर वाला पार्ट और इधर वाला पार्ट क्या मिरर इमेज है? नहीं होगा। जैसे जैसे ये ऊपर चढ़ता जा रहा है वैसे वैसे क्या, और इसका जो कंपोनेंट पैरेलल टू इंक्लाइन प्लेन है वो छोटी होती जा रही है, तो इसीलिए इवन दो उसको नीचे से ऊपर जाने में जितना टाइम लगा है, ऊपर से नीचे आने में भी सेम टाइम लगा है विद रिस्पेक्ट टू इंक्लाइन प्लेन, बट ये जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, मतलब सॉरी हॉरिजॉन्टल नहीं, जो कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलॉन्ग द इंक्लाइन प्लेन है वो तो छोटी होती जा रही है, तो छोटी वेलोसिटी से जब आप सेम टाइम तक मूव करेंगे तो बाद में तो डिस्टेंस कम कवर करेंगे ना, तो यहाँ का जो डिस्टेंस है ये वाले डिस्टेंस को अगर कोई लिख दे ये r by 2 और ये r by 2 है, तो क्या वो सही कह रहा है या गलत कह रहा है? गलत कह रहा है। गलत कह रहा है, ये गलत है, ये भी गलत है। उसको क्या लिखना चाहिए कि अगर मैं इसको दो हाफ में डिवाइड करता हूँ तो इफ दिस डिस्टेंस इज r1 दिस विल बी ग्रेटर देन r by 2 एंड दिस इज r2 सो दिस विल बी लेसर देन r2। अंडरस्टूड? यस सर। टाइम सेम है, ये ध्यान रखना, ऊपर जाने का टाइम और नीचे आने का टाइम सेम है, बट सिंस पैरेलल टू इंक्लाइन प्लेन का कंपोनेंट छोटा होता जा रहा है, इसीलिए वहां की वेलोसिटी जो ऊपर के हाफ में जो वो डिस्टेंस कवर करेगा वो रिलेटिवली कम कवर करेगा। ठीक है, समझ आ गई सभी को? Yes. Okay. अब ये जो वेलोसिटी है, अगर आपको ये वाली वेलोसिटी फाइंड करनी है तो ये कैसे फाइंड करेंगे? इस वेलोसिटी के दो कॉम्पोनेंट है, कॉम्पोनेंट vx है और एक vy है ना? Vy का मैग्नीट्यूड तो आपको पता है, वो जस्ट रिवर्स हो चुका है, ये आपका कितना है u sin अल्फा है, आया ना? आया? Yes, sir. Yes, sir. नीचे की तरफ u sin अल्फा, और vx की वैल्यू अगर आपको फाइंड करनी है तो क्या लिखेंगे आप? vx की वैल्यू दैट विल बी u cos of अल्फा cos of माइनस sin t g sin into t right? Yes. And t कितना yes. निकाला आपने? Twice of u sin अल्फा by g cos theta यही ना? ये जी और ये जी तो गया, आपके पास एक्सप्रेशन क्या आ रहा है? एक्सप्रेशन आ रहा है यू, यू को हटा देते हैं यहाँ पे, कॉस अल्फा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन अल्फा इंटू साइन थीटा, बस टू है वहां पे, सॉरी। कॉस अल्फा कॉस थीटा माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ साइन अल्फा साइन थीटा and divided by cos theta. I hope आपको समझ आ गई है, ठीक है? और जैसे ये मिल चुका है, तो obviously आपको v भी मिल जाएगा, v की value क्या लिख लेंगे? root under vx square plus vy square कर लेंगे। समझ आई? समझ आई? Yes sir. This v will be root under vx square plus vy square कर लेंगे। ठीक है? या फिर अगर आपको रेंज पता है, इफ यू नो द रेंज, तो ऑब्वियसली ये हाइट पता है ना आपको, डू यू नो द हाइट? ये एंगल थीटा है, ये आर है, तो हाइट कितना हो गया? आर साइन थीटा, ये एच हो गया। और आपको पता है कि जब भी एक प्रोजेक्टाइल का अगर इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी को रिलेट करना हाइट एच के थ्रू, तो आप क्या लिखेंगे? वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस ऑफ टू जी एच, क्या ये नहीं लिखा जा सकता? यस सर। तो ये भी रिलेशन यूज कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपके पास कौन से डेटा इजिली अवेलेबल है, तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। क्योंकि देखो इस क्वेश्चन में अगर मुझे v निकालना होता
और u थीटा और अल्फा दिया हुआ है तो ऑब्वियसली ये वाला रिलेशन इतना कन्वीनियंट नहीं है. दिस रिलेशन इज नॉट दैट कन्वीनियंट. क्यों? क्योंकि पहले तो आपको रेंज निकालना पड़ेगा. रेंज निकालने के लिए तो अच्छा खासा मेहनत करना है या नहीं करना आपको, ये सोच के देखो. रेंज निकालने के लिए पहले आपको टाइम निकालना है, टाइम निकालने के बाद फिर आपको यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस यूज करना है, तब आपको रेंज मिलेगा. एंड उससे बेटर तरीका है कि आप पहले तो टाइम तो आप तुरंत ही मिल गया आपको, उसके बाद फिर आप वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट निकालो. वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट तो आपको पता ही है कि वो चेंज नहीं किया है, तो रूट अंडर वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर करना क्या है, ये सर ज्यादा आसान होगा. अंडरस्टूड? अंडरस्टूड? यस सर. ठीक है, अब इंक्लाइन प्लेन पे हम मैक्सिमम रेंज का कंडीशन ढूंढते हैं. ठीक है, कि जैसे ग्राउंड पे हमें प्रोजेक्ट करना है तब तो हमको पता है कि मैक्सिमम रेंज का कंडीशन क्या है, कि 45 डिग्री पे फेंकना है. फिर एक हाइट से जब प्रोजेक्ट करते हैं और ग्राउंड पे लैंड कराते हैं तो उसका कंडीशन भी हमको पता है कि इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने चाहिए. अगर मैं अब यहाँ पे अगर मैक्सिमम रेंज का कंडीशन ढूंढता हूँ तो अब क्या करना पड़ेगा वो सीखते हैं. ठीक है, फॉर मैक्सिमम रेंज ऑन इंक्लाइन प्लेन हम ऑब्वियसली स्पीड को फिक्स मानेंगे. ठीक है, स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन हम चेंज नहीं कर रहे, इंक्लाइन प्लेन का इंक्लिनेशन भी चेंज नहीं कर रहे हैं. वी आर ओनली चेंजिंग द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, अल्फा चेंज कर रहे हैं. तो अल्फा ही वेरिएबल है इस एक्सप्रेशन में, और एक्सप्रेशन में अगर अल्फा वेरिएबल है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको डिफरेंशिएट इक्वल टू जीरो करो. तो क्या कंडीशन लिखेंगे, डी बाई डी अल्फा, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ आर विथ रिस्पेक्ट टू अल्फा का क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए. सो डी बाई डी अल्फा, जो चीजें कॉन्स्टेंट उसको छोड़ दो, यहाँ पे साइन अल्फा इंटू कॉस ऑफ थीटा प्लस अल्फा, इसका डिफरेंशिएशन जीरो होना चाहिए. सो जस्ट प्रोडक्ट रूल लगेगा यहाँ पे, साइन अल्फा को छोड़ा, कॉस थीटा प्लस अल्फा को डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको बनेगा माइनस ऑफ साइन ऑफ थीटा प्लस अल्फा एंड प्लस कॉस ऑफ थीटा प्लस अल्फा को छोड़ा एंड फिर साइन अल्फा को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये बनेगा कॉस ऑफ थीटा, सॉरी कॉस ऑफ अल्फा एंड दैट विल बी इक्वल टू जीरो. ये एक्सप्रेशन क्या रहा है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, फिर से तो क्या बनेगा, ये कॉस ऑफ थीटा प्लस अल्फा प्लस अल्फा, मतलब थीटा प्लस टू अल्फा, this should be equal to zero. यही आ रही है क्या? आ रही है? Yes, sir. इसका मतलब क्या निकला? इसका मतलब theta plus two alpha. ये कितनी होनी चाहिए? Pi by two? होनी चाहिए? Yes, sir. इसका मतलब अल्फा कितना मिला आपको? So what is अल्फा? कितने एंगल पे प्रोजेक्ट करना आपको? Pi by two minus of theta and इसका half. राइट, ए आ रहा ना, ए आ रही है, आ रही नहीं आ रही है? Yes. So, इस पर्टिकुलर एंगल पे जब आप प्रोजेक्ट करोगे इंक्लाइन प्लेन पे तो जाके आपका ये प्रोजेक्टाइल जो है मैक्सिमम रेंज वाले कंडीशन पे जाएगा. इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि वो मतलब मीन क्या कर रहे हैं इस एंगल से, एक बार जस्ट इसको एनालाइज करने की कोशिश करते हैं. देखो, हमने ये इंक्लाइन प्लेन दे रखा है, दिस इज एंगल थीटा. So, pi by 2 minus theta कौन सा एंगल हो गया? अब बताएंगे pi by 2 minus theta कौन सा एंगल हो गया? What is pi by 2 minus theta? 90. Vertical line से incline plane का एंगल, यही है ना? Yes, sir. Yes. मतलब यहाँ से ये वाली जो लाइन हमने खींच रखी है, this angle is pi by 2 minus theta. और projection आपको कितने पे करना है? Half of this angle पे? करना है या नहीं करना है? करना ही करना है. इसका मतलब आप, इसका मतलब जब भी आपको अगर मैक्सिमम रेंज निकालना होता है तो आपको कहाँ पे फेंकना पड़ता है, वर्टिकल लाइन और जो इंक्लाइन प्लेन है उसका बाइसेक्टर वाला एंगल पे हमेशा आपको क्या करना पड़ता है, प्रोजेक्ट करना पड़ता है. यही तो मतलब निकला ना, समझ आई आपको क्या बोला है? ओ, हाँ. तो इस तरह से याद रखोगे तो रिजल्ट याद भी रह जाएगा. अब थीटा को जीरो करके देखो, देखो तो वो भी सेटिस्फाई हो जाएगा. मैंने आपको क्या बोला कि जिस वर्टिकल लाइन और जिस प्लेन पे आपको ऑब्जेक्ट को लैंड कराना है उन दोनों का जो बाइसेक्टर होगा उस पे फेंकना है. तो ये वर्टिकल लाइन, और अगर मैं इंक्लाइन प्लेन को हॉरिजॉन्टल कर दूं तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90, और 90 का बाइसेक्टर कितना होगा, 45. Yes, yes. तो रेंज कितने पे मैक्सिमम आएगा, 45 डिग्री पे, जो कि ऑलरेडी यहां कंडीशन आ रहा है. उस पार्ट में से प्रोजेक्ट करना पड़ेगा. हाँ, तो उसको 45 डिग्री पे ही प्रोजेक्ट करने से आपका मैक्सिमम रेंज मिलता अगर ये हॉरिजॉन्टल प्लेन होता. समझ आ रही है? Yes, yes. ठीक है, तो यहाँ पे अभी फिलहाल के लिए आपको प्रोजेक्ट करना पड़ेगा बाइसेक्टर लाइन पे, तो उसको मैं ड्रॉ करके यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको.
सो यहां से ये हमने ऐसे प्रोजेक्ट कर रखा है, दिस इज ये यू है और ये लाइन को एक्सटेंड कर देते हैं यहां से, ये टेंजेंट है इनिशियल पॉइंट पे और ये एंगल्स में यहां पे मार्क कर देता हूं, ठीक है, ये वाले एंगल और ये वाले एंगल दोनों आपके सेम होने चाहिए, दिस इज हाफ ऑफ दी बाइसेक्टर, मतलब पाई बाई टू माइनस थीटा इसका हाफ और ये भी है आपका पाई बाई टू माइनस थीटा इसका हाफ, सो ये चीज का ध्यान रखना, दिस इज हाफ ऑफ द एंगल या अच्छा हाफ ऑफ द एंगल अच्छा लिख देते हैं बिटवीन वर्टिकल लाइन एंड इंक्लाइन प्लेन, हेंस प्रोजेक्शन हैज टू बी अलोंग द बाइसेक्टर ऑफ वर्टिकल लाइन एंड इंक्लाइन प्लेन, ठीक है, ये मैक्सिमम रेंज का कंडीशन हो गया, ठीक है। अब इस एंगल को यूज करके अब आप क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम रेंज का वैल्यू याद रख सकते हैं, ठीक है। अब मैं मैक्सिमम रेंज की वैल्यू को निकालने के लिए बस जो वैल्यू हमने निकाला है उसको यूज करके वापस से सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। रेंज का एक्सप्रेशन जो है हमारे पास, मैं आर मैक्स लिख रहा हूँ, ठीक है, आर मैक्स विल बी ट्वाइस ऑफ यू स्क्वायर इनटू साइन अल्फा कॉस थीटा प्लस अल्फा, साइन अल्फा कॉस ऑफ थीटा प्लस अल्फा डिवाइडेड बाई जी कॉस पे थीटा था, जी कॉस पे थीटा उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे। अब मुझे वो अल्फा की वैल्यू यूज करनी है जो मैंने यहाँ पे निकाली है, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैं थोड़ा सा स्टेप को चेंज कर रहा हूँ, यहाँ पे देखो थीटा प्लस टू अल्फा आपका पाई बाई टू है, तो थीटा प्लस अल्फा को क्या ऐसा लिखा जा सकता है, दिस इज पाई बाई टू माइनस अल्फा, लिख सकते हैं, यस सर, ठीक है। ये क्यों यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे थीटा प्लस अल्फा है तो कैलकुलेशन थोड़ा सा सिंप्लीफाई होगा, तो ये कॉस थीटा प्लस अल्फा क्या बन जाएगा आपका, साइन अल्फा बन जाएगा, साइन अल्फा, ठीक है। तो मैं ये कॉस थीटा प्लस अल्फा को इसी स्टेप में मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे इसको मैं साइन अल्फा सब्स्टिट्यूट कर दे रहा हूँ, ठीक है, इसको लिख देता हूँ यहाँ पे, ये वाला पार्ट सिर्फ, ठीक है, दिस इज साइन ऑफ अल्फा, देखो तो साइन स्क्वायर अल्फा हो गया क्या यहाँ पे न्यूमरेटर में, हो रहा है, यस सर, हाँ सर, साइन स्क्वायर अल्फा, यस, को ऐसे थोड़ा सा और चेंज करते हैं, दिस इज यू स्क्वायर इनटू टू साइन स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाय जी कॉस स्क्वायर थीटा। अब हम cos 2 थीटा वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, cos ऑफ 2 अल्फा अगर लिखें, cos ऑफ 2 अल्फा तो इसको क्या ले सकते हैं, 1 माइनस ऑफ 2 sin स्क्वायर अल्फा, क्या लिखा जा सकता है इसको ऐसा, यस सर, तो 2 sin स्क्वायर अल्फा कितनी हो गई, 1 माइनस cos 2 अल्फा, तो इसी को नेक्स्ट स्टेप में हम लिख सकते हैं, दिस इज u स्क्वायर इनटू 1 माइनस ऑफ cos ऑफ 2 अल्फा एंड डिवाइडेड बाय g cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब cos 2 अल्फा की वैल्यू कहां से आएगी, ये देखो ये 2 को इधर लेके चले जाओ, क्या 2 अल्फा है आपके पास, है 2 अल्फा, यस सर, वैल्यू कितनी है, पाई बाय 2 माइनस थीटा, sin थीटा, तो ये जो न्यूमरेटर में cos 2 अल्फा है वो क्या हो जाएगा, sin थीटा हो जाएगा, समझ आ रहा है आपको, ये cos 2 अल्फा को मैंने यहाँ पे sin थीटा लिख दिया। अब अगर आप एक एक्सप्रेशन चेक करोगे यहाँ पे क्या आ रहा है, दिस इज कमिंग टू बी क्या आ रही है, ये 1 माइनस साइन थीटा न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में g इनटू कॉस स्क्वायर थीटा है, क्या कॉस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है, ये हो गया u स्क्वायर इनटू ये हो गया 1 माइनस साइन थीटा और डिनोमिनेटर में लिख लेते हैं, ये g को अलग कर देते हैं और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा को लिख रहे हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, देखो तो कुछ कट रहा है क्या, कुछ कट रहा है, यस, क्या बचेगा हमारे पास, क्या बचेगा, आप याद रख सकते हैं, ठीक है, कि मैक्सिमम रेंज ऑन एन इंक्लाइन प्लेन, मैक्सिमम रेंज ऑन एन इंक्लाइन प्लेन इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा इज यू स्क्वायर बाय जी इंटू वन प्लस साइन थीटा, डिनोमिनेटर में ये वन प्लस साइन थीटा, एंड ये कितने एंगल पे होता है, it is at an angle which is bisector of the vertical line pi by 2, ठीक है, नहीं ऐसे मत याद रखिए, half of pi by 2 minus theta से मत याद रखिए, बस ऐसे याद रखिए जैसे मैं बोल रहा हूँ,
कि वर्टिकल लाइन और इंक्लाइन प्लेन इन दोनों के बाइसेक्टर पे फेंकना है, बस इतना ही है। क्योंकि जब सिचुएशन को आप डायग्राम की तरह सोच के याद रखेंगे तो आपको याद रहेगा, जब एक्सप्रेशन की तरह याद करोगे तो कुछ याद नहीं रहेगा क्योंकि भूल जाने के चांसेस बढ़ेंगे आपके। आप ऐसे सिर्फ याद करोगे, सोचो हाफ ऑफ पाई बाय टू माइनस थीटा, हाफ ऑफ पाई बाय टू माइनस थीटा, तो यही अगर यही भूल गए होगे थीटा कौन सा है तो थीटा कौन सा एंगल लेना था, तो यही गड़बड़ हो जाएगा। समझ आ रही है आपको? तो ऐसे ही याद रखना आपको कि इंक्लाइन प्लेन और वर्टिकल लाइन इन दोनों के बाइसेक्टर पे आपको फेंकना है, ठीक है? तो आपको ये मैक्सिमम रेंज मिलती है। समझ आ गई सभी को? Yes, ठीक है? ओके, ये तो चलो मैंने अप द इंक्लाइन फेंका है, अप द इंक्लाइन फेंका है। अगर मान लो, अच्छा ये मैक्सिमम रेंज है, ये मैंने मार्क नहीं किया, तो मार्क कर देता हूँ। दिस आर मैक्स, ये तो मैंने अप द इंक्लाइन फेंका है ना। अगर मान लो कि ऑब्जेक्ट को हम डाउन द इंक्लाइन फेंक रहे होते, डाउन द इंक्लाइन फेंक रहे होते, और उस केस में हमें मैक्सिमम रेंज चाहिए होता है, तो हम क्या करेंगे उस केस में? फिर से सेम लॉजिक यूज करेंगे। अगर ये हमारी सोचो इंक्लाइन प्लेन है और मुझे इमेजिन करो कि यहाँ से फेंकना है, तो ये वर्टिकल लाइन है, ये वर्टिकल लाइन और ये इंक्लाइन प्लेन, इनका जो एंगल है इसके बाइसेक्टर पे आपको फेंकना पड़ेगा। ये एंगल कितनी दिख रही है? व्हाट इज दिस एंगल ओवर हियर? कितनी है? 90 माइनस थीटा है या नहीं? यस सर। तो ये एंगल कितनी हो गई? 90 प्लस थीटा। यस। और उसका बाइसेक्टर पे आपको फेंकना पड़ेगा, मतलब हाफ, मतलब कितना हो गया? यहाँ पे जो माइनस था ये क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। आपको बात समझ आ रही है? Yes. ठीक है। Yes, sir. और इसमें एंड रिजल्ट में क्या चेंज आएगा? यहाँ पे जो प्लस था ये माइनस हो जाएगा। अंडरस्टैंड? तो इसको जस्ट मैं मेंशन कर देता हूँ, यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, ठीक है? इफ प्रोजेक्टाइल वॉज प्रोजेक्टेड डाउन द इंक्लाइन, डाउन the incline, ये angle theta mark किया और यहां पे ये vertical line हमने खींच ली, इसका bisector भी mark कर देते हैं यहां से, ये bisector होगा। यहां से अपने को प्रोजेक्ट करना है यू स्पीड से और फिर ये ऑब्जेक्ट जाके आपका मैक्सिमम रेंज वाले केस में लैंड करेगा, यहाँ पर आर मैक्स होगा। और इस केस में ये वाली जो एंगल्स आनी चाहिए आपकी, ये एंगल इधर से और ये एंगल इधर से, ये दोनों सेम होनी चाहिए। ये होगी आपकी हाफ ऑफ पाई बाई टू प्लस थीटा, ये भी आपकी हाफ ऑफ पाई बाई टू प्लस थीटा आएगा। ये आपका पाई बाई टू माइनस थीटा, और आर मैक्स की वैल्यू भी याद रखेंगे यहां से, आर मैक्स हो गई कम्स आउट भी यू स्क्वायर बाई जी इंटू वन माइनस ऑफ साइन थीटा हो जाएगा। वहां पे प्लस साइन थीटा था, यहाँ पे माइनस साइन थीटा, ठीक है? सो डाउन द इंक्लाइन एंड अप द इंक्लाइन में मैक्सिमम रेंज का कंडीशन समझ आ गया आप सभी को? समझ आ गया सभी को? सो गए सभी? यस सर। समझ आ गया। सो गए सभी? सो गए सभी बोला तो बोल रहा है यस सर। ठीक है सर, इसका ना एक अच्छा एप्लीकेशन आपको दिखाता हूँ। ये मैक्सिमम रेंज और इंक्लाइन प्लेन का ना एक अच्छा एप्लीकेशन है। देखो, इमेजिन करो अगर आपको ऐसा सिचुएशन दे रखा है, ये ग्राउंड का सरफेस है मान लो, ठीक है, एंड दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, एंड यहां से मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचा है जिसको मैं एक्स एक्सिस कह रहा हूँ, और एक वर्टिकल लाइन खींचा है मैं इसको वाई एक्सिस कह रहा हूँ। और मैंने कहा यहाँ पे एक पॉइंट है, लेट अस से दिस पॉइंट इज पी, और इसके कोऑर्डिनेट्स मेरे को एक्स और वाई मार्क कर रखी है। मैंने आपसे पूछा है फाइंड मिनिमम स्पीड, मिनिमम स्पीड यू सच दैट द ऑब्जेक्ट रीचेस
point P, which is a fixed point. मतलब फिक्स पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपको दे रखे हैं, आपको क्या करना है उस पॉइंट पी पे पहुंचाने का, आपको मिनिमम स्पीड आपको फाइंड आउट करना है. ये सपोज टू फाइंड आउट द मिनिमम स्पीड. तो आप क्या करते, व्हाट वुड यू हैव डन? आप क्या करते, आप बोलते चलो ठीक है मैंने एक आर्बिट्री एंगल पे फेंका है एंड उसके बाद फिर आके यहाँ से लैंड किया, ऐसे ही कुछ होगा. तो मैंने यहाँ से इसको स्पीड दे रखा है u, ये एंगल हमने थीटा चूज कर रखा है. तो यहाँ पे u और थीटा दोनों ही आपके क्या है, वेरिएबल, राइट? बट इतना पक्का है कि अगर लोकस में लिखता y equal to x tan theta minus of gx square by 2u square cos by theta, तो उस लोकस में तो उसको सेटिस्फाई करना पड़ेगा, राइट? करना पड़ेगा. तो यहाँ पे हम क्या करते, अगर मैं u को इन टर्म्स ऑफ थीटा एक्सप्रेस कर सकता हूँ तो उसके बाद फिर बस मुझे क्या कंडीशन को यूज करना, आप खुद ही सोच के देखो क्या करना पड़ेगा. डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा इक्वल टू जीरो करना पड़ेगा, राइट? डी यू बाई डी थीटा को क्या करना पड़ेगा, जीरो, राइट? राइट, यस सर. और इससे ऑब्वियसली आपको आंसर मिल जाएगा, इससे ऑब्वियसली आपको आंसर तो मिलना ही मिलना, ठीक है? बट ये थोड़ा सा लेंदी हो गया, ऐसा नहीं कि इससे आंसर नहीं आएगा. मैंने अब जो आपको बोला है वो करके देख लेना, ठीक है? आप लोकस में वाई इक्वल टू एक्स टैन थीटा माइनस ऑफ जी एक्स स्क्वायर बाई टू यू स्क्वायर कॉस पर थीटा लिखा आपने, इसमें आपको ये पता चल रहा है कि u थीटा का फंक्शन होने वाला है. और अगर u थीटा का फंक्शन होने वाला है और मैं u का मिनिमम वैल्यू चाहता हूँ तो मुझे du by d थीटा तो जीरो करना पड़ेगा. मतलब उस पूरे एक्सप्रेशन को आप थीटा के टर्म्स में डिफरेंशिएट कर दो और du by d थीटा को जीरो डाल दो, अपने आप ही आपको आंसर मिल जाएगा, u इन टर्म्स ऑफ थीटा मिल जाएगा, सॉरी थीटा की वैल्यू मिल जाएगी, कितने थीटा पे आपको प्रोजेक्ट करना पड़ेगा, फिर उसके बाद का काम तो आसान है, ठीक है? समझ आइए आपको. अब मैं आपको एक बेटर तरीका बताता हूँ, ठीक है? लेट अस ट्राई टू डू इन अ बेटर वे. अगर सपोजली मैं पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन और पॉइंट पी को कनेक्ट करके एक लाइन ड्रॉ कर दूं, ठीक है? एक लाइन ड्रॉ कर दिया मैंने और मैं इस लाइन को एक इंक्लाइन प्लेन की तरह ट्रीट कर रहा हूँ. अच्छा, इसको अलग से करते हैं, नहीं तो फिर आपका डायग्राम आपको याद नहीं रहेगा. मैंने क्या किया, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से पॉइंट पी को कनेक्ट किया और मैं अब ये सोच रहा हूँ कि ये मेरे पास एक इंक्लाइन प्लेन बन गई है, ठीक है? और इस इंक्लाइन प्लेन पे मुझे पॉइंट पी पे पहुंचाने का है. सो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से पॉइंट पी का जो डिस्टेंस है वो तो फिक्स कर दिया मैंने, राइट? डिस्टेंस फिक्स हो गई है, राइट? यस सर. अब सोचो yes, ये डिस्टेंस फिक्स है तो आप क्या कर सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट स्पीड से, डिफरेंट डिफरेंट स्पीड से आप ऑब्जेक्ट को डेफिनेटली आप वहां पे पहुंचा सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट स्पीड से पहुंचा सकते हो. बट उस केस में डिफरेंट डिफरेंट स्पीड से अगर आप पहुंचाओगे तो कौन से स्पीड से आप पहुंचाओगे सच कि आपका वहां पे वो मतलब मिनिमम स्पीड से पहुंच पाए, मतलब पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पे ही मिनिमम स्पीड आपका आ जाए. इसको थोड़ा सा मैक्सिमम रेंज से रिलेट करने की कोशिश करो. अगर मैं मैक्सिमम रेंज चाहता हूं तो मुझे पता है कि उस केस में हमें किस एंगल पे फेंकना पड़ेगा, ये तो हमको पता है, राइट? बाइसेक्टर ऑफ द एंगल बिटवीन वर्टिकल एंड इंक्लाइन प्लेन, राइट? तो खुद ही सोच, अगर मैं इसको मैक्सिमम रेंज का केस कंसिडर करके चलो तो क्या ऑटोमेटिकली ये मीन नहीं कर रहे कि ये स्पीड मिनिमम होगा, हो गई नहीं होगा? समझ आ रही है आपको? अगर मैं इसको मैक्सिमम रेंज वाला केस बना देता हूँ कि मैं बोल देता हूँ यही मैक्सिमम रेंज है, दिस इज द मैक्सिमम रेंज दैट आई एम गेटिंग बाय प्रोजेक्टिंग फ्रॉम हियर, तो ऑब्वियसली आप मिनिमम स्पीड से ही फेंक के वो मैक्सिमम रेंज होगा, होगा सर. तो हमने क्या किया, यहाँ से वही चीज को कनिंगली हमने क्या किया, यहाँ पे उसको यूज किया, हमने ये सोचा कि ये जो मैक्सिमम रेंज आ रही है मेरे लिए, अगर जो डिस्टेंस रेंज आ रही है उसी को मैंने मैक्सिमम बना दिया तो उससे स्पीड आपकी मिनिमम हो जाएगी. सो ये मैक्सिमम रेंज निकालने के लिए हमने क्या किया, यहाँ से इसको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट बना दिया और इसी को हमने क्या किया, यहाँ से आर मैक्स इज इक्वल टू यू मिन का स्क्वायर डिवाइडेड बाय g into 1 plus sin theta use कर लिया. आप चेक करो यहाँ पे sin theta की, अच्छा sin theta is the angle made by the inclined plane with the horizontal, ये चीज का ध्यान रखना. तो यहाँ पे मैं इसको theta dash mark कर देता हूँ, this let us say या theta not, और यहाँ पे theta not लिख देता हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे value of sin theta not की value आपको पता है क्या, चेक करो तो. Do you know how much is sin theta not? Yes sir. Perpendicular over hypotenuse, perpendicular is y, तो इसको substitute कर दो. R max आपको पता है, this is root under of x square plus y square.
and this becomes u minimum ka square divided by g into 1 plus sin theta naught. Sin theta naught is y over root under of x square plus y square. A value ko simplify karo, to aapke paas u minimum ki value aapko mil ja rahi hai. So u minimum is coming out to be root under g into root under x square plus y square and plus y. कुछ छूट गया क्या मेरे पास? मुझे लगता है कुछ छोड़ दिया मैंने. सर वन कहाँ वन छूट, कौन सा वन छूटा? नहीं वन कहाँ छूटा, मैंने x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का स्क्वायर से तो मल्टीप्लाई कर दिया उसको. ठीक है ना g into h, ठीक ही तो आ रहा है. यस सर ठीक ही है. ठीक है ठीक है. नहीं मुझे लग रहा है थोड़ा सा लंबा एक्सप्रेशन था मुझे, मतलब एक फेंट मेमोरी में आ रहा है कि एक लंबा सा एक्सप्रेशन था क्या. ठीक है चलो, तो आपका मिनिमम स्पीड हो गया. अगर अगर पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन के रिस्पेक्ट में अगर कोऑर्डिनेट्स दे रखा है कि कितने कोऑर्डिनेट्स पे आपको पहुंचाना है और उसके लिए पूछे मिनिमम स्पीड चाहिए, तो आप इस पर्टिकुलर स्पीड से आप प्रोजेक्ट करेंगे तो आपका मिनिमम मिनिमम स्पीड से आपका ऑब्जेक्ट पहुंच जाएगा. सर आप दोबारा समझा सकते हैं कि वो मैक्सिमम रेंज से मिनिमम स्पीड कैसे आया? देखो अगर मैं ये बोलता हूँ कि जैसे इसको ग्राउंड से रिलेट करो तो फिर आप जल्दी समझोगे. जैसे इमेजिन करो कि आपको यहाँ से फेंकना है एक ऑब्जेक्ट को और मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे पहुंचाना है आपको ऑब्जेक्ट को. ठीक है, ग्राउंड से रिलेट करो तो आप डिफरेंट डिफरेंट एंगल पे फेंक के पहुंचा सकते हैं इसको. ऐसे फेंक के भी पहुंचा सकते हैं आप, ऐसे फेंक के भी पहुंचा सकते हैं आप, 45 डिग्री पे भी फेंक के पहुंचा सकते हैं आप, ऑब्ट्यूज एंगल पे भी फेंक के पहुंचा सकते हैं, कर सकते हैं ना. यस सर. बट आप ये सोचो कि मैक्सिमम इस केस में ये वाली जो डिस्टेंस अगर मैं फिक्स कर दूं, ये डिस्टेंस को अगर मैं फिक्स कर दूं, दिस इज अ फिक्स्ड डिस्टेंस व्हिच इज आर, तो आप ये सोचो कि मिनिमम स्पीड कब मिलेगा आपको, ये मिनिमम स्पीड कौन सा होगा जिससे आप ये फिक्स्ड डिस्टेंस को कवर करवा पाएंगे? तो जब 45 डिग्री पे फेंकेंगे. एग्जैक्टली, अब इसको रिलेट करो वहां से. ओ ओके सर. यस समझ आई आपको? यस सर. देखो क्वेश्चन, देखो 15 मिनट ही बचा है तो मैं थोड़े से 3-4 क्वेश्चन में एक बार जल्दी कर देता हूँ. मैं आपको टाइम अभी नहीं दे रहा हूँ. ठीक है, चेक करो, मैं पढ़ रहा हूँ, आप ध्यान से सुनो. अ प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम एन इंक्लाइन प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन थीटा विद हॉरिजॉन्टल सच दैट द डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन मेक्स एन एंगल बीटा विद द इंक्लाइन प्लेन. ठीक है, मैं एक डायग्राम को इसको ड्रॉ कर देता हूँ. सो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, यहाँ पे एक इंक्लाइन प्लेन है जो एंगल थीटा पे है और यहाँ से मैंने एक ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया है जिसकी एंगल ऑफ प्रोजेक्शन यहाँ से हॉरिजॉन्टल मतलब अलोंग द इंक्लाइन प्लेन से ये बीटा एंगल पे है. उसके बाद उसने क्या कह रखा है, इट इज फाउंड दैट द प्रोजेक्टाइल लैंड्स परपेंडिकुलरली ऑन द सरफेस ऑफ द इंक्लाइन प्लेन. मतलब जब ये जा रहा है तो यहाँ पे लैंड करते वक्त उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन प्लेन है. बिल्कुल ऐसा है. आई होप आपको समझ आ रही है. समझ आ रही है आपको? Yes, sir. Yes, sir. अब उसने पूछा है आपसे अल्फा थीटा और बीटा के बीच में रिलेशन क्या होगा. ये बहुत ही आसान काम है, आप बस वो परपेंडिकुलर होने का कंडीशन को यूज करो, अपने आप ही आंसर आ जाएगा. एक पैरेलल टू इंक्लाइन प्लेन, परपेंडिकुलर इंक्लाइन प्लेन, हमने दो एक्सिस चूज किए, इसको एक्स एक्सिस इसको वाई एक्सिस बनाया. आप ये सोच के देखो जब ये परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन प्लेन हो जाएगा तो क्या इसका वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस जीरो नहीं हो जाएगा वहां पे? और वो वेलोसिटी जीरो होने का कंडीशन तो आपको पता है, ये यू कॉस बीटा से प्रोजेक्टेड है, सॉरी ये यू कॉस बीटा से प्रोजेक्टेड है एंड इस डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन है दैट इज जी साइन थीटा, है ना. आपको ये वाली वेलोसिटी को जीरो करना है और अपोजिट डायरेक्शन का एक्सेलरेशन आपको पता है. डू यू नो व्हाट इज द टाइम, क्या हो जाएगा? यू कॉस बीटा बाई जी साइन थीटा होगा ही नहीं. yes. और आप टाइम एक और तरीके से भी तो निकाल रहे थे. एक और तरीका कौन सा था? यू साइन बीटा that is the vertical component, sorry, component perpendicular to inclined plane and acceleration in this direction was g cos theta. तो ऊपर जाने का time और नीचे आने का time तो same होता है. तो time of flight अगर आप use करेंगे तो time of flight दो तरीके से आप निकाल रहे हैं. एक है twice of velocity u sin beta
डिवाइडेड बाय जी कॉस थीटा, और एक तरीका है यू कॉस बीटा डिवाइडेड बाय जी साइन थीटा। आई होप आप सबको समझ आ गई है, समझ आ गई सभी को? यस सर। ये यू और ये जी कैंसिल आउट हो जाएगा और आप देखोगे तो रिलेशन आपको मिल चुका है, ट्वाइस ऑफ टैन थीटा, सॉरी ट्वाइस ऑफ टैन बीटा इज इक्वल टू कॉट ऑफ थीटा आ जाएगा, कॉट थीटा, दैट इज द रिक्वायर्ड रिलेशन। ठीक है, आगे बढ़े। यस सर, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन नहीं है बट अच्छा है, जेई का आया हुआ क्वेश्चन है ये। अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल 60 डिग्री with a speed of 10 root 3 meter per second from a point A as shown in the figure. At the same time, the wedge is made to move with a speed of 10 root 3 meter per second towards the right as shown in the figure. Find the time after which the particle will strike the wedge. अगर आप ground से देखोगे तो situation बहुत ही complicated है, क्योंकि ये यहाँ से कुछ जाएगा और पीछे से ये इसको chase करके फिर यहाँ पे कहीं जाके ऐसा strike करेगा यहाँ। आपको बात समझ आ रही है कहीं? ठीक yes, है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में तो ये बहुत ही सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, अपने फ्रेम को, लेट अस फिक्स आवर फ्रेम ऑन द वेज इटसेल्फ और उसके बाद क्वेश्चन को रीड्रॉ करते हैं। तो अगर मैं अपने फ्रेम को यहाँ पे सिचुएट करता हूँ तो व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू कीप इन माइंड व्हेनेवर वी फिक्स आवर रेफरेंस फ्रेम इनटू अ मूविंग फ्रेम? वेज बिकम स्टेशनरी, राइट? और वेज अगर स्टेशनरी हो गया तब तो ये मोशन इंक्लाइन प्लेन जैसा ही हो गया ना, नॉर्मल इंक्लाइन प्लेन का मोशन ही हो गया, राइट? और दूसरी चीज हमें क्या ध्यान रखनी पड़ती है, जब भी हम फ्रेम चेंज करते हैं तो वी नीड टू रिवर्ट एंड ऐड द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, राइट? तो ये रिवर्ट एंड ऐड अगर आप करते हो, सोचो तो क्या दिखेगा आपको, अगर मैं यहाँ पे रिवर्ट एंड ऐड करता हूँ, देखो यहाँ पे रिवर्ट किया, दिस इज 10√3 मीटर पर सेकेंड, राइट? व्हाट हैव आई रिवर्टेड, this is velocity of wedge which has been reverted, right? है ना? अगर आप देखोगे तो दो वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, दो वेक्टर अगर इक्वल मैग्नीट्यूड के होते हैं तो रिजल्टेंट हमेशा बाइसेक्टर पे होती है क्या, राइट? इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, 120 है ना, है या नहीं है? और 120 का बाइसेक्टर कितना आएगा, 60, yes, right? So this is 60, so this is 60. And जो डायगनल पे हमने बना रखा है that is velocity of particle with respect to wedge, VPW लिखा है, मतलब velocity of particle with respect to wedge. क्या ये भी 10√3 आएगा? Yes, yes sir. Yes. आएगा ना, whenever you have two vectors of equal magnitude and the angle is 120 degree between them, the resultant is also having same magnitude. आपको याद है ये चीज? Yes. Right? Yes. इसका मतलब ये question तो अब बहुत ही simple हो गया। ये question कैसा हो गया? कि ये inclined plane अपने पास fixed है। ये इंक्लाइन प्लेन है जो फिक्स है, कितने एंगल पे ये इंक्लाइन प्लेन, 30 डिग्री पे, और यहां से हमने एक ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया है और ये प्रोजेक्शन की एंगल विथ रिस्पेक्ट टू इंक्लाइन प्लेन कितनी है, 30, है ना, क्योंकि 60 डिग्री तो हॉरिजॉन्टल से मार्क्ड है, तो हॉरिजॉन्टल से अगर 60 डिग्री मार्क्ड है तो इंक्लाइन प्लेन के रिस्पेक्ट में कितनी हुई, 30 तो हुई ना, राइट? यस सर। और इसमें इनिशियल वेलोसिटी जो आपका आएगा वो कितना हो गया, वेलोसिटी ऑफ सॉरी वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू वेज व्हिच वाज 10√3 मीटर पर सेकंड, यही तो था। अब इसमें आपको टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट आपको पता है ना कितनी आती है, टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकालते हैं, वेलोसिटी का कॉम्पोनेंट परपेंडिकुलर इंक्लाइन प्लेन वो कितनी है, 10√3 इंटू साइन 30, है ना, साइन 30 इज हाफ, सो दिस इज 5√3, एंड इसमें जो इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन है वो एक्सेलरेशन कितनी है, जी कॉस 30, सो अब आपके पास टाइम ऑफ फ्लाइट कितनी होनी है, ट्वाइस ऑफ 5√3 डिवाइडेड बाय जी कॉस 30, मतलब जी इंटू √3/2, √3 कट गई, 10 भी कट गई और आपके पास टाइम ऑफ फ्लाइट आ गई 2 सेकेंड्स। आप देखो ये कितना आसान था कैलकुलेशन में, डेटाज इतने सुंदर दे रखे थे उन्होंने कि कैलकुलेशन में कितनी आसानी आई, सब कुछ तुरंत ही हो गया, नो मतलब लंबा लंबा क्वेश्चन कुछ नहीं, लंबा लंबा कैलकुलेशन कुछ नहीं, जस्ट छोटे में आंसर निकल गया।
I hope you have understood this. Yes, sir. देखो क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ अब सुनो. अ प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन विद अ वेलोसिटी ऑफ 50 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स एन इंक्लाइन प्लेन फ्रॉम ग्राउंड सच दैट इट स्ट्राइक्स द इंक्लाइन प्लेन परपेंडिकुलरली. बट देखो ये इंक्लाइन प्लेन से नहीं फेंका गया, ग्राउंड से एक सर्टेन डिस्टेंस पे ही फेंका गया. द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज 53 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल एंड द इंक्लाइन प्लेन इज इंक्लाइंड एट एन एंगल 45 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल. अब क्वेश्चन क्या क्या पूछा उन्होंने, find the time of flight and the distance between the point of projection and the foot of the inclined plane. मैं करता हूँ, आप approach देखो कि कैसे कर रहे हैं. मैं इस diagram को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ. Okay. मैं यहाँ पे ये जो अच्छा यहाँ पे डायग्राम गंदी बनी हुई है क्योंकि ये 53 डिग्री वाली जो लाइन है और 45 डिग्री वाली लाइन ऑलमोस्ट पैरेलल दिख रही है. आपको दिख रही है, ये दोनों ऑलमोस्ट पैरेलल है, दिख रहा है, दिख रहा है? यस सर. तो काम करते हैं हम यहाँ पे इसको ऐसे खींच देते हैं. इसको मैं 45 डिग्री बना देता हूँ यहाँ पे, फिर से दिस इज 45 डिग्री. ठीक है, अब मैंने इसको ही अपना x एक्सिस बना ली सपोजली. ठीक है, दिस इज द x एक्सिस. तो ये एंगल कितना हो गया, 53 डिग्री माइनस ऑफ 45 डिग्री. सही है, सही है. yes. और इनिशियल वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस आप चेक करो जो है वो कितनी है. व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस? ये इधर का कंपोनेंट, ये है ux. ux की वैल्यू कितनी है, 50 into cos of 53 degree minus of 45 degree. इसको आप लिख सकते हो, this is 50 into cos 53, cos of a minus b है. cos of a minus b को हम कैसे लिख सकते हैं, cos a cos b plus sin a sin b, right? yes, है ना? so यहाँ पे वही substitute करेंगे. so this is cos a मतलब cos 53 degree, this will be 3/5. cos b मतलब 1/√2 plus sin a which is 4/5 into sin b which is 1/√2. So this becomes, ये 5 तो हट जाएगा यहाँ से, 10 हो जाएगा ये. तो यार ये आपके पास 5√2 into 7. So this is 35√2 meter per second. ठीक है, ये आपकी velocity along x axis है. अब आपको पता है जब ये perpendicular to inclined plane land करेगा तो इस केस में तो जो भी velocity होगी उसमें x component तो आपको कुछ भी नहीं दिखेगा. ये आपको समझ आ रही है, right? yes, sir. और अगर ये x कंपोनेंट आपको जीरो दिख रही है तो इसका मतलब टाइम तो निकालने का बहुत ही आसान तरीका हो गया. इस डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन है पैरेलल टू इंक्लाइन प्लेन वो कितने की होगी, g/√2 की, राइट? यस सर. तो इस केस में अब आपका टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होना चाहिए, टाइम ऑफ फ्लाइट शुड बी ux ओवर g/√2. सो ux वाज 35√2 एंड डिवाइडेड बाय दिस इज g/√2. तो ये क्लियरली आपका √2 √2 तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 5 5 7, तो ये 7 सेकंड्स आ रहा है. ये आपका पहले पार्ट का आंसर हो गया. अंडरस्टूड? अंडरस्टूड? यस सर. अब आपको ये फाइंड करना है कि ये कितने दूर पे लैंड कर रहा है, मतलब ये फुट से कितना दूर पे लैंड किया है यहाँ से, या ये डिस्टेंस आपको शायद फाइंड करने के लिए उसने बोला है कि फुट से हमने कितने दूर पे फेंका था, शायद ये सेकंड पार्ट था. फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एंड द फुट ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन. ओके ठीक है, तो ये वाले डिस्टेंस को l मान लेते हैं, उन्होंने हमें l निकालने के लिए भी बोला है. ये l निकालना है, ठीक है. अब इसको निकालने के लिए क्या करते हैं, ये सेकंड पार्ट के लिए कर रहे हैं. आप ये सोचो कि यू हैव प्रोजेक्टेड फ्रॉम हियर एन ऑब्जेक्ट विद अ इनिशियल स्पीड ऑफ u एंड ये एंगल आपको पता है 53 डिग्री है,
And you also know that there is an object which is getting landed on an inclined plane perpendicular to the inclined surface. So, aisa kuch situation hum dikhate hain yahan pe. Somewhere like this. ठीक है अभी देखो अगर मैं इसके रिस्पेक्ट में ही अगर कोऑर्डिनेट्स मार्क करूं मैं नॉर्मली जैसे कोऑर्डिनेट एक्सिस हम लोग चूज करते हैं अगर वैसा ही चूज कर लेता कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पे मैंने एक्स एक्सिस चूज कर लिया ये वाली लाइन को एक्स एक्सिस बना लिया और ये वाली लाइन को वाई एक्सिस बना लिया तो इसकी कोऑर्डिनेट्स जो होती ये एक्स और वाई तो डिस्प्लेसमेंट वाई डायरेक्शन का कितना होता ये तो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं क्योंकि हमको इनिशियल वर्टिकल डायरेक्शन का वेलोसिटी भी पता है और फिर अपने को टाइम ऑफ फ्लाइट भी पता है आप सेम तरीके से एक्स कोऑर्डिनेट भी तुरंत निकाल सकते थे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी भी पता है टाइम ऑफ फ्लाइट भी पता है तो ये डिस्टेंस अगर मैं एक्स मार्क कर रहा हूं इफ आई एम मार्किंग दिस डिस्टेंस एज एक्स तो ये एक्स की जो वैल्यू होगी दिस एक्स विल बी यू कॉस ऑफ 53 डिग्री इनटू द टाइम ऑफ फ्लाइट आपको यू पता है यू कितना था अपना यू वाज 50 सो 50 इनटू कॉस 53 इज 3/5 इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट विच इज 7 सो ये तो 5 आपका 10 से कट गया और ये आ गया आपका 210 मीटर सो दिस इज 210 मीटर्स ठीक है अब साथ में आपको वाई डायरेक्शन का अगर डिस्प्लेसमेंट चाहिए ये वाले डिस्प्लेसमेंट चाहिए दिस इज वाई तो आप वर्टिकल मोशन कंसिडर करेंगे तो वाई की वैल्यू अगर लिखते हैं तो वाई की वैल्यू कितनी आती यू साइन थीटा मतलब 50 इंटू 4/5 इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट एंड माइनस ऑफ हाफ जी टी स्क्वायर तो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए आपका 7 सेकेंड्स ही है सो माइनस ऑफ हाफ इंटू जी विच इज 10 इंटू टाइम का स्क्वायर विच इज 7 का स्क्वायर कर लेंगे ये आपका 5 से चला जाएगा ये 5 इधर 10 से चला गया 7 4 28 280 हो गया एंड माइनस ऑफ 49 इंटू 5 हो गया तो ये हो गया आपका 245 तो ये एक्सप्रेशन आ रही है आपके पास 245 अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 35 मीटर्स आ रही है तो देखो ये डिस्टेंस आपको मिल गई वाई आ गई है 35 मीटर्स ये एंगल आपको दी थी 45 डिग्री तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ये डिस्टेंस भी आपका 35 होगा चेक करो कैन वी से दैट दिस डिस्टेंस विल बी 35 मीटर्स यस सर क्योंकि tan 45 इज 1 तो ये डिस्टेंस देखो आपको मिल गया क्या डू यू नो डू यू गेट दिस डिस्टेंस नाउ 210 में से 35 सबट्रैक्ट करो सो 210 माइनस ऑफ 35 दैट गिव्स यू 175 मीटर्स दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर तो एक्सिस तुम देखोगे तो कई बार आपको यू नो एक्सिस हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकली कन्वीनियंट लगेगा कैलकुलेशंस करने के लिए कई बार आपको ये पैरेलल टू इंक्लाइन प्लेन एंड परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन प्लेन वो कन्वीनियंट लगेगा डिपेंड करता है कि आप कैसे यूज करते हैं जैसे अगर मान लो कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं पैरेलल एंड परपेंडिकुलर कंपोनेंट में ब्रेक नहीं करता मतलब एक पैरेलल टू इंक्लाइन प्लेन एक परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन प्लेन ऐसे कंडीशंस में ये यूज नहीं करता तो क्या करते हैं तो आप क्या करते हैं देखो यहां से जैसे इस डायरेक्शन में आपको पता है आपने वेलोसिटी वी मार्क कर ली है ये एंगल आपको पता है 45 डिग्री है तो इस तरफ का कंपोनेंट कितना हो जाता वी कॉस 45 होती अब अगर ये वी कॉस 45 आपको पता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी चेंज नहीं करती है तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कितनी है 50 इनटू कॉस 53 राइट यस तो इसको और इसको इक्वेट करके क्या हमको वी तुरंत मिल जाता मतलब इधर का कंपोनेंट हो गया 50 इंटू कॉस 53 और इधर का ये कॉम्पोनेंट हो गया वी बाई रूट टू तो इन दोनों को तो इक्वेट करके हम वी निकाल सकते हैं ना तुरंत से yes. राइट एक बार वी मिल गया तो वी का वाई कॉम्पोनेंट भी मिल गया वो तो वी बाई रूट टू है अगेन ये भी हो गई नीचे की तरफ है राइट yes, sir. इसका मतलब ये भी आपको पता चल गया कितनी है 50 इंटू कॉस 53 है ना राइट अब देखो वाई डायरेक्शन का आपको वेलोसिटी पता चल चुका है नीचे की तरफ 50 cos 53 है और इनिशियल वेलोसिटी आपको पता है 50 into sin 53 थी तो v equal to u plus at इसमें एक्सेलरेशन तो माइनस जी है नीचे की तरफ तो उसको सब्स्टिट्यूट करके कि आपको टाइम ऑफ फ्लाइट फिर से नहीं मिल जाता मिलता ही नहीं मिलता यस सर ठीक है तो यहां से भी आप निकाल सकते थे फिर हाइट निकालने के लिए क्या करते आप यहाँ पे डायरेक्टली ये वाली पॉइंट और ये वाली पॉइंट के बीच में वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस टू जी यूज कर लेते हैं क्योंकि आपको फाइनल वेलोसिटी पता ही है कितनी है इनिशियल वेलोसिटी पता ही कितनी है तो ये हाइट कितना चेंज हुआ ये तो आप निकाल सकते हैं ना तुरंत एक लाइन में वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस टू जी एच करके निकाल सकते हैं राइट तो वहां से आपको एच भी मिल जाता समझ आई
यस यस सर ठीक है।